没去上班，我我打。嗯 वाट्सअप गाइस वेलकम टू वेलास्टी मूवी सो यस हाँ इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अराइवल मूवी के ऊपर तो गाइस जैसे कि तुम्हें मेरे वीडियो के कॉन्सेप्ट्स पता ही होते हैं मैं थोड़ा सा तुम लोगों को स्टोरी का एक बार किक दूंगा अगर तुम्हें स्टोरी अच्छा लगेगी तो मैं बताऊंगा मूवी को कहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो और कहां से जाके देख सकते हो एंड उसके बाद हम लोग मूवी के फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर भी बात करेंगे सो so या गाइस चलो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मैं बोलने वाला था चलो बाय बाय करके तो हाँ गाइस मूवी ऐसा स्टार्ट होता है अराइवल करके जहाँ पे दिखाया जाता है अपना जो पृथ्वी है उसके आजू बाजू में टोटल जानते हो कितने सारे स्पेस एलियन क्राफ्ट आ जाते हैं बहुत सारा एलियन स्पेस क्राफ्ट आ जाते हैं जो टोटल संख्या में होते हैं बारह तो समझ जाओ बारह बड़े बड़े एलियन स्पेस क्राफ्ट आ जाते हैं अपने पृथ्वी के हर एक अलग अलग कोने में अब ये देखने के बाद जो यू एस आर्मी होती है वो बैठेगी तो नहीं क्योंकि मूवी जो है यू एस एक है इतना मैं बताना चाहता हूँ अदरवाइज़ वर्ल्ड वाइड का प्रॉब्लम होता तो भाई सारे लोग संभाल सकते थे तो हाँ यू एस का मूवी होता है तो यू एस के जो एजेंट्स होते हैं और बहुत सारे लोग आर्मी वाले होते हैं तो पहले ऐसा किया जाता है मूवी के अंदर सारे आर्मी को भी इंचार्ज बना दिया जाता है एंड आर्मी लोग भी जाके उस स्पेस शिप की केयर कर रहे होते हैं केयर का मतलब उसका मतलब जाके भाई फ्यूल नहीं भर रहे होते हैं वो जाके दूर से उसके ऊपर नजर रख रह रहे होते हैं कोई भी हलचल होगी तो हम लोग उसके ऊपर हमला बोल देंगे ऐसा करके ओके अब आगे दिखाया जाता है जो यू के मेन प्रेजिडेंट होते हैं या फिर कॉनल वेबर जो होते हैं वो रिक्रूट करते हैं बैंक बैंक मतलब बैंक ना एक फिजिस्ट का नाम है तुम सोचना मत बैंक में जब बोलूँगा तो एक कोई बैंक की बात कर रहा है बैंक मतलब इस मूवी के अंदर एक कैरेक्टर का नाम है और डोनली डॉनली होती है ओके बैंक एंड डॉनली जो होते हैं वो लोग होते हैं वो क्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके जो एलियन वाले एन को भाषा है उसे डी करेंगे क्योंकि एलियन भाषा तो भाई आती नहीं है ह्यूमन्स को तो ऑब्वियसली उसे डी कोड करना बहुत जरूरी है तो अब ये जो दो लो लोग होते हैं ये लोग एक एलियन से कांटेक्ट करते हैं जिसका भाई एक, एक मतलब जानते हो कितना सेवन लिम्ब्ड होता है सात लिब्ड एलियन होता है तो बड़ा खतरनाक और देखने में होता है तो उसका ये लोग नाम रखते हैं हेप्टापॉड्स करके अब हेप्टापॉड नाम रखने के बाद उससे ये लोग हेल्प लेते हैं क्योंकि इस भाषा को ये लोग डी करना चाहते थे जो एलियन लैंग्वेज है उसे ये लोग डी करेंगे तभी जाके मतलब मूवी आगे बढ़ेगी एंड दिस इज़ वॉट मूवी का प्लॉट है इसके आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा तो मूवी का मैं स्पॉयलर दे दूँगा वो मैं नहीं चाहता हूँ तो गाइस चलो जो मूवी है 2016 में नहीं आई थी वो मूवी है लॉन्च हुई थी 2016 के सितंबर वन को <laughs> ओके गाइस तो हाँ 2016 सितंबर सिक्सटीन को मूवी रिलीज हुई थी अमेरिकन साइंस फिक्शन ड्रामा मूवी है मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है डेनिस एंड स्क्रीन प्ले किया गया है एरिक के द्वारा उसके बाद स्टोरी बाई यूअर लाइफ बाई टेड चियांग करके हैं कोई चाइनीज चियांग पता नहीं कौन है और जो मूवी के प्रोड्यूसर थे वो थे शॉनली डैन लिवाइन आयरन राइडर एंड डेविड लिंडी। स्टारिंग कास्ट है एमी एडम्स एंड जेरमी रेनर्स फॉरेस्ट वाइट टेकर मेकल उसके बाद टीजी मा एंड सीनीटोग्राफिक किया गया है ब्रैड फॉर्ड यंग के द्वारा एंड एडिटर जो मूवी के थे जोई वालकर उसके बाद मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनियां हैं वो हैं फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट्स लावा बियर ट्वेंटी वन एंटरटेनमेंट जो मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज़्यादा मैटर करता है वर्ल्ड वाइड यही लोग डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं तो पैरामाउंट्स पिक्चर जो थे वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कराएँ और जो एंटरटेनमेंट वन थे यूनाइटेड किंगडम के अंदर कराएँ एंड जो रोड शो फिल्म है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कराई अब सोचोगे तुम लोग भाई वर्ल्ड वाइड तूने बोला था मतलब ये कैसे हम लोग देखें तो उसके लिए ओ बोला जाता है ओ है भाई तो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे जाओगे तो ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है तो ही अगर नहीं है तो तुम्हें पता है क्या करना है कैसे जाके करना है तो ओ भाई मैं बस मैं तुम्हें प्लॉट बता रहा था ताकि मूवी में अगर तुम्हें साईफाई थ्रिलर जेनरल से तुम बिलोंग करते हो तो जाके इस मूवी को एक बार देख लेना हाँ मूवी मैं बताऊँगा ठीक ठाक है उतना खतरनाक आप नहीं बोल सकते हो लेकिन हाँ मूवी देखने लायक है क्योंकि एलियन विलिन आते हैं तो यार साईफाई मूवी के अंदर एक जोश आ जाता है अलग सा और देखने में मज़ा भी आता है तो चलो रेडिंग वेटिंग के ऊपर भी बात कर लिया जाए तो भाई सुनो 7.9 की आई रेटिंग है 10 आउट ऑफ 7.9 मतलब रेटिंग भी है बहुत ज़बरदस्त है तो देखने लायक मूवी है और जो रोटन टमेटोज की रेटिंग है वो है नाइन्टी परसेंट एटी परसेंट ऑफ द गूगल यूज गूगल यूज़र ने इसे लाइक किया तो हाँ मैं बोलूंगा भाई गूगल यूज़र का कोई सीन नहीं होता है लोग फालतू के मतलब फ़ालतू नहीं बोल सकते हो लाइक हाँ जिसके पास गूगल आई है वो जाके मूवी को लाइक बटन दबा देगा तो गूगल लाइक्स को देख के कभी मूवी को जज मत करना वो बहुत हर मूवी पर वो ज़्यादा ही होता है जो मूवी का बजट था वो था 47 मिलियन यूएस डॉलर एंड मूवी ने जो टोटल कमाया है वो है 203 मिलियन यूएस डॉलर तो सीधा सीधा देखा जाए 150 मिलियन से ज़्यादा ही मूवी ने प्रॉफिट में अर्न किया है तो हाँ अगर स्टोरी नहीं अच्छी होती तो नहीं बंदे लोग इसे देखते हैं तो तुम लोग जाओ मज़ा आएगा देखने में एंड हाँ uh, मैं तो बोलूँगा जरूर देखना अगर तुम साईफाई जनरा से बिलोंग करते हो एंड ऐसे मूवी पे वेट करते हो क्योंकि और भी हम लोग साईफाई मूवी को एक्सप्लेन करेंगे आगे की वीडियो के अंदर एंड गाइस से एक सेक्सिन एक से, मैंने आप लोगों को मूवी के कास्ट क्रू को नहीं बताया ताकि मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोग अगर हीरो को पसंद करोगे तभी जाके देखते हो मूवी ऐसा भी सीन होता है तो जो जेमरी राइनर हैं जेरमी राइनर हैं वो ही आई डॉनली का रोल प्ले कर रहे हैं तो हाँ मूवी देखना बनता है भाई जानते हो यार हॉका ही है यार मच्छा मतलब खतरनाक लगता है देखने में भी एंड उसका मूवी जो है वो भी थोड़ा हाँ अच्छे ठीक ठाक होते हैं फॉरेस्ट वाइट टॉकर जो हैं जो कॉलन वेबर का रोल प्ले कर रहे थे हैं। और एमी एडम्स हैं जो डॉक्टर लुइस बैंक का रोल प्ले कर रही थी जो मैंने बैंक से बोला था ना वो कैरेक्टर थी समझ में गया माइकल स्टगलर स्ट्रगलरबार्ग जो हैं एजेंट हेल्पन का रोल प्ले कर रहे होते हैं टीजी जी माँ जो हैं वो जर्नल शांग का रोल प्ले कर रहे होते हैं हाँ तो वाइस अब इधर पता चल रहा है कि एक यू वाला यू कंट्री एंड चाइना या फिर जापान कोई भी भाई हो सकती है एशियन एक कंट्री जहाँ पे चीनी से लेके कोरियन वो सारे लोग हो सकते हैं जब चैंग वेंग शेंगवेंग आ गया तो अभी गायल फैनिसो को जो है वो हैना का रोल प्ले कर रही होती हैं मार्को ब्रायन जो हैं वो रोल प्ले कर रहे होते हैं कैप्टन मार्क्स का जैडी मेलोना जो है हैना का रोल प्ले कर रही थी एंड जूली स्कारलेट डैन जो है वो भी हैना का रोल प्ले कर रही थी तीन तीन हैना सही है छोटे से बड़ी हो रही है रसल यून जो है चाइनीज़ साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रहे होते हैं तो हाँ तुम्हें पता नहीं मैंने बोला था अभी कुछ देर पहले चाइनीज़ हाँ तो भाई चाइनीज साइंटिस्ट ही मूवी के अंदर नैथली टी बेल्ट जो है वो गाला गेस्ट का रोल प्ले कर रही होती हैं फ्रैंक स्कॉर्पिन जो हैं वो डॉक्टर केटलर का रोल प्ले कर रहे होते हैं एंड उसके बाद भी अगर हम लोग देखा जाए तो सो so ऑन बहुत ज़्यादा है कैश्ट्रूलिस्ट क्योंकि मूवी ठीक ठाक है तो या जाके तुम लोग मूवी का एंजॉय करो और बताना मूवी कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ठीक एक बार किक दूंगा अगर तुम्हें स्टोरी अच्छा लगेगी तो मैं बताऊंगा मूवी को कहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो और कहां से जाके देख सकते हो एंड उसके बाद हम लोग मूवी के फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर भी बात करेंगे सो तो या गाइस चलो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मैं बोलने वाला था चलो बाय बाय करके तो हाँ गाइस मूवी ऐसा स्टार्ट होता है अराइवल करके जहाँ पर दिखाया जाता है अपना जो पृथ्वी है उसके आजू बाजू में टोटल जानते हो कितने सारे स्पेस एलियन क्राफ्ट आ जाते हैं बहुत सारा एलियन स्पेस क्राफ्ट आ जाते हैं जो टोटल संख्या में होते हैं बारह तो समझ जाओ बारह बड़े बड़े एलियन स्पेस क्राफ्ट आ जाते हैं अपने पृथ्वी के हर एक अलग अलग कोने में अब ये देखने के बाद जो यूएस आर्मी होती है वो बैठेगी तो नहीं क्योंकि मूवी जो है यू एस एक है इतना मैं बताना चाहता हूँ अदरवाइज़ वर्ल्ड वाइड का प्रॉब्लम होता तो भाई सारे लोग संभाल सकते थे तो हाँ यू का मूवी होता है तो यू के जो एजेंट्स होते हैं और बहुत सारे लोग आर्मी वाले होते हैं तो पहले ऐसा किया जाता है मूवी के अंदर सारे आर्मियों को भी इंचार्ज बना दिया जाता है एंड आर्मी लोग भी जाके उस स्पेस की केयर कर रहे होते हैं केयर का मतलब उसका मतलब जाके भाई फ्यूल नहीं भर रहे होते हैं वो जाके दूर से उसके ऊपर नजर रख रह रहे होते हैं कोई भी हलचल होगी तो हम लोग उसके ऊपर हमला बोल देंगे ऐसा करके ओके अब आगे दिखाया जाता है जो यू के मेन प्रेजिडेंट होते हैं या फिर कॉनल वेबर जो होते हैं वो रिक्रूट करते हैं बैंक बैंक मतलब बैंक ना एक फिजिस्ट का नाम है तुम सोचना मत बैंक में जब बोलूँगा तो एक कोई बैंक की बात कर रहा है बैंक मतलब इस मूवी के अंदर एक कैरेक्टर का नाम है और डोनली डोनली होती है ओके बैंक एंड डॉनली जो होते हैं वो लोग होते हैं वो क्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके जो एलियन वाले एन को भाषा है उसे डी करेंगे क्योंकि एलियन भाषा तो भाई आती नहीं है ह्यूमन्स को तो ऑब्वियसली, उसे डी करना बहुत ज़रूरी है तो अब ये जो दो, दो लोग होते हैं ये लोग एक एलियन से कांटेक्ट करते हैं जिसका भाई एक मतलब जानते हो हैं सेवन लिम्ब्ड होता है सात लिब्ड एलियन होता है तो बड़ा खतरनाक और देखने में होता है तो उसका ये लोग नाम रखते हैं हेप्टापॉड्स करके अब हेप्टापॉड नाम रखने के बाद उससे ये लोग हेल्प लेते हैं क्योंकि इस भाषा को ये लोग डी करना चाहते थे जो एलियन लैंग्वेज है उसे ये लोग डी करेंगे तभी जाके मतलब मूवी आगे बढ़ेगी एंड दिस इज़ वॉट मूवी का प्लॉट है इसके आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा तो मूवी का मैं स्पॉयलर दे दूँगा वो मैं नहीं चाहता हूँ तो गाइस चलो जो मूवी है 2016 में नहीं आई थी वो मूवी है लॉन्च हुई थी 2016 के सितंबर वन, <laughs> तो वन को ओके गाइस तो हाँ 2016 सितंबर सिक्सटीन को मूवी रिलीज हुई थी अमेरिकन साइंस फिक्शन ड्रामा मूवी है मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है डेनिस एंड स्क्रीन प्ले किया गया है एरिक के द्वारा उसके, उसके बाद स्टोरी बाई यूअर लाइफ बाई टेड चियांग करके हैं कोई चाइनीज चियांग पता नहीं कौन है और जो मूवी के प्रोड्यूसर थे वो थे शॉनली डैन लिव आयरन राइडर एंड डेविड लिंडी स्टारिंग कास्ट है एमी एडम्स एंड जेरमी रेनर्स फॉरेस्ट वाइट टेकर मेकल उसके बाद टीजीमा एंड सिनेमाटोग्राफिक किया गया है ब्रैड फॉर्ड यंग के द्वारा एंड एडिटर जो मूवी के थे जोई वालकर उसके बाद द मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनियां हैं वो हैं फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट्स लावा बियर ट्वेंटी वन लैब्स एंटरटेनमेंट जो मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज़्यादा मैटर करता है वर्ल्ड वाइड ही लोग डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं तो पैरामाउंस पिक्चर जो थे वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कराएँ और जो एंटरटेनमेंट वन थे यूनाइटेड किंगडम के अंदर कराएँ एंड जो रोड शो फिल्म है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कराई अब सोचोगे तुम लोग भाई वर्ल्ड वाइड तूने बोला था मतलब ये कैसे हम लोग देखें तो उसके लिए ओ बोला जाता है ओ है भाई तो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे जाओगे तो ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है तो ही अगर नहीं है तो तुम्हें पता है क्या करना है कैसे जाके करना है तो ओ भाई मैं बस मैं तुम्हें प्लॉट बता रहा था ताकि मूवी में अगर तुम्हें साईफाई थ्रिलर जनरल से तुम बिलोंग करते हो तो जाके इस मूवी को एक बार देख लेना हाँ मूवी मैं बताऊँगा ठीक ठाक है उतना खतरनाक आप नहीं बोल सकते हो लेकिन हाँ मूवी देखने लायक है क्योंकि एलियन विलिन आते हैं तो यार साईफाई मूवी के अंदर एक जोश आ जाता है अलग सा और देखने में मज़ा भी आता है तो चलो रेडिंग वेटिंग के ऊपर भी बात कर लिया जाए तो भाई सुनो 7.9 की आई रेटिंग है 10 आउट ऑफ 7.9 मतलब रेटिंग भी है बहुत ज़बरदस्त है तो देखने लायक मूवी है और जो रोटन टोमेटोज की रेटिंग है वो है नाइन्टी परसेंट एटी परसेंट ऑफ़ द गूगल यूज गूगल यूज़र ने इसे लाइक किया तो हाँ मैं बोलूँगा भाई गूगल यूज़र का कोई सीन नहीं होता है लोग फालतू के मतलब फ़ालतू नहीं बोल सकते हो लाइक हाँ जिसके पास गूगल आई है वो जाके मूवी को लाइक बटन दबा देगा तो गूगल लाइक्स को देख के कभी मूवी को जज मत करना वो बहुत हर मूवी पर वो ज़्यादा ही होता है जो मूवी का बजट था वो था 47 मिलियन यूएस डॉलर एंड मूवी ने जो टोटल कमाया है वो है 203 मिलियन यूएस डॉलर तो सीधा सीधा देखा जाए 150 मिलियन से ज़्यादा ही मूवी ने प्रॉफिट में अर्न किया है तो हाँ अगर स्टोरी नहीं अच्छी होती तो नहीं बंदे लोग इसे देखते हैं। तो तुम लोग जाओ मज़ा आएगा देखने में एंड uh, हाँ मैं तो बोलूँगा जरूर देखना अगर तुम साईफाई जनरा से बिलोंग करते हो एंड ऐसे मूवी पे वेट करते हो क्योंकि और भी हम लोग साईफाई मूवी को एक्सप्लेन करेंगे आगे की वीडियो के अंदर एंड गाइस एक सिक्षिय। एक का मैंने आप लोगों को मूवी के कैस्ट क्रू को नहीं बताया ताकि मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोग अगर हीरो को पसंद करोगे तभी जाके देखते हो मूवी ऐसा भी सीन होता है तो जो जेमरी राइनर हैं जेरमी राइनर हैं वो ही आई डॉनली का रोल प्ले कर रहे हैं तो हाँ मूवी देखना बनता है भाई जानते हो यार हॉका ही है यार अच्छा मतलब खतरनाक लगता है देखने में भी एंड उसका मूवी जो है वो भी थोड़ा हाँ अच्छे ठीक ठाक होते हैं फॉरेस्ट वाइट टॉकर जो हैं जो कॉलन वेबर का रोल प्ले कर रहे थे हैं। और एमी एडम्स हैं जो डॉक्टर लुइस बैंक का रोल प्ले कर रही थी जो मैंने बैंक से बोला था ना वो कैरेक्टर थी समझ में आ गया माइकल स्टगलर स्ट्रगलरबार्ग जो हैं एजेंट हेल्पन का रोल प्ले कर रहे होते हैं टीजी माँ जो हैं वो जर्नल शांग का रोल प्ले कर रहे होते हैं हाँ तो गाइस अब इधर पता चल रहा है कि एक यू वाला यू कंट्री एंड चाइना या फिर जापान कोई भी भाई हो सकती है एशियन एक कंट्री जहाँ पे चीनी से लेके कोरियन वो सारे लोग हो सकते हैं जब चैंग वेंग, वेंग आ गया तो अभी गाइल को जो है वो हैना का रोल प्ले कर रही होती हैं मार्को ब्रायन जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं कैप्टन मार्क्स का जैडी मेलोना जो है हैना का रोल प्ले कर रही थी एंड जूली स्कारलेट डैन जो है वो भी हैना का रोल प्ले कर रहे थे तीन तीन हैना सही है छोटे से बड़ी हो रही है रसल यून जो है चाइनीज़ साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रहे होते हैं तो हाँ तुम्हें पता नहीं मैंने बोला था अभी कुछ देर पहले चाइनीज हाँ तो भाई चाइनीज साइंटिस्ट ही है मूवी के अंदर नैथली टी बेल्ट जो है वो गाला गेस्ट का रोल प्ले कर रही होती हैं फ्रैंक स्कॉर्पिन जो हैं वो डॉक्टर केटलर का रोल प्ले कर रहे होते हैं एंड उसके बाद भी अगर हम लोग देखा जाए तो सो so ऑन बहुत ज़्यादा है कैश्ट्रूलिस्ट क्योंकि मूवी ठीक ठाक है तो या जाके तुम लोग मूवी का एंजॉय करो और बताना मूवी कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ठीक एक बार किक दूंगा अगर तुम्हें स्टोरी अच्छा लगेगी तो मैं बताऊंगा मूवी को कहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो और कहां से जाके देख सकते हो एंड उसके बाद हम लोग मूवी के फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर भी बात करेंगे सो तो या गाइस चलो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मैं बोलने वाला था चलो बाय बाय करके तो हाँ गाइस मूवी ऐसा स्टार्ट होता है अराइवल करके जहाँ पर दिखाया जाता है अपना जो पृथ्वी है उसके आजू बाजू में टोटल जानते हो कितने सारे स्पेस एलियन क्राफ्ट आ जाते हैं बहुत ज़्यादा एलियन स्पेस क्राफ्ट आ जाते हैं जो टोटल संख्या में होते हैं बारह तो समझ जाओ बारह बड़े बड़े एलियन स्पेस क्राफ्ट आ जाते हैं अपने पृथ्वी के हर एक अलग अलग कोने में अब ये देखने के बाद जो यूएस आर्मी होती है वो बैठेगी तो नहीं क्योंकि मूवी जो है यू एस एक है इतना मैं बताना चाहता हूँ अदरवाइज़ वर्ल्ड वाइड का प्रॉब्लम होता तो भाई सारे लोग संभाल सकते थे तो हाँ यू का मूवी होता है तो यू के जो एजेंट्स होते हैं और बहुत सारे लोग आर्मी वाले होते हैं तो पहले ऐसा किया जाता है मूवी के अंदर सारे आर्मियों को भी इंचार्ज बना दिया जाता है एंड आर्मी लोग भी जाके उस स्पेस शिप की केयर कर रहे होते हैं केयर का मतलब उसका मतलब जाके भाई फ्यूल नहीं भर रहे होते हैं वो जाके दूर से उसके ऊपर नज़र रख रहे होते हैं कोई भी हलचल होगी तो हम लोग उसके ऊपर हमला बोल देंगे ऐसा करके ओके अब आगे दिखाया जाता है जो यू के मेन प्रेजिडेंट होते हैं या फिर कॉनल वेबर जो होते हैं वो रिक्रूट करते हैं बैंक बैंक मतलब बैंक ना एक फिजिस्ट का नाम है तुम सोचना मत बैंक में जब बोलूँगा तो एक कोई बैंक की बात कर रहा है बैंक मतलब इस मूवी के अंदर एक कैरेक्टर का नाम है और डोनली डोनली होती है ओके बैंक एंड डोनली जो होते हैं वो लोग होते हैं वो क्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके जो एलियन वाले एन भाषा है उसे डी करेंगे क्योंकि एलियन भाषा तो भाई आती नहीं है ह्यूमन्स को तो ऑब्वियसली उसे डिगोड करना बहुत जरूरी है तो अब ये जो दो लोग लो 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 होते हैं ये लोग एक एलियन से कांटेक्ट करते हैं जिसका भाई एक मतलब जानते हो इतना सेवन लिम्ब्ड होता है सात लिम्ब एलियन होता है तो बड़ा खतरनाक और देखने में होता है तो उसका ये लोग नाम रखते हैं हेप्टापॉड्स करके अब हेप्टापॉड नाम रखने के बाद उससे ये लोग हेल्प लेते हैं क्योंकि इस भाषा को ये लोग डिगोड करना चाहते थे जो एलियन लैंग्वेज है उसे लोग डी करेंगे तभी जाके मतलब मूवी आगे बढ़ेगी एंड दिस इज़ वॉट मूवी का प्लॉट है इसके आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा तो मूवी का मैं स्पॉयलर दे दूँगा वो मैं नहीं चाहता हूँ तो काइस चलो जो मूवी है टू में नहीं आई थी वो मूवी है लॉन्च हुई थी 2016 के सितंबर वन को <laughs> ओके काइस तो हाँ 2016 सितंबर सिक्सटीन वन को मूवी रिलीज हुई थी अमेरिकन साइंस फिक्शन ड्रामा मूवी है मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है डेनिस एंड स्क्रीन प्ले किया गया है एरिक के द्वारा उसके बाद स्टोरी बाई यूअर लाइफ बाई टेड चियांग करके हैं कोई चाइनीज चियांग पता नहीं कौन है और जो मूवी के प्रोड्यूसर थे वो थे शॉनली डैन लिवाइन आयरन राइडर एंड डेविड लिंडी स्टारिंग कास्ट है एमी एडम्स एंड जेरमी रेनर्स फॉरेस्ट वाइट टेकर मेकल उसके बाद टीजीमा एंड सीमेटोग्राफी किया गया है ब्रैड फॉर्ड यंग के द्वारा एंड एडिटर जो मूवी के थे जोई वालकर उसके बाद द मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनियाँ हैं वो हैं फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट्स लावा बियर ट्वेंटी वन लैब्स एंटरटेनमेंट जो मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज़्यादा मैटर करता है वर्ल्ड वाइड ही लोग डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं तो पैरामाउंट्स पिक्चर जो थे वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कराएं और जो एंटरटेनमेंट वन थे यूनाइटेड किंगडम के अंदर कराएँ एंड जो रोड शो फिल्म्स है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कराई अब सोचोगे तुम लोग भाई वर्ल्ड वाइड तूने बोला था मतलब ये कैसे हम लोग देखें तो उसके लिए ओ बोला जाता है ओटी है भाई तो अमेजॉन प्राइम वीडियो पे जाओगे तो ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है तो ही अगर नहीं है तो तुम्हें पता है क्या करना है कैसे जाके करना है तो ओ भाई मैं बस मैं तुम्हें प्लॉट बता रहा था ताकि मूवी में अगर तुम्हें साईफाई थ्रिलर जेनरा से तुम बिलोंग करते हो तो जाके इस मूवी को एक बार देख लेना हाँ मूवी मैं बताऊंगा ठीक ठाक है उतना खतरनाक आप नहीं बोल सकते हो लेकिन हाँ मूवी देखने लायक है क्योंकि एलियन विलिन आते हैं तो यार साई फाई मूवी के अंदर एक जोश आ जाता है अलग सा और देखने में मज़ा भी आता है तो चलो रेटिंग वेटिंग के ऊपर भी बात कर लिया जाए तो वह सुनो सेवन की आई रेटिंग है 10 आउट ऑफ 7.9 मतलब रेटिंग भी है बहुत ज़बरदस्त है तो देखने लायक मूवी है और जो रोटन टमाटोज़ की रेटिंग है वो है नाइन्टी परसेंट एटी परसेंट ऑफ़ द गूगल यूज गूगल यूज़र ने इसे लाइक किया तो हाँ मैं बोलूँगा भाई गूगल यूज़र का कोई सीन नहीं होता है लोग फालतू के मतलब फालतू नहीं बोल सकते हो लाइक हाँ जिसके पास गूगल आईडी है वो जाके मूवी को लाइक बटन दबा देगा तो गूगल लाइक्स को देख के कभी मूवी को जज मत करना वो बहुत हर मूवी पे वो ज़्यादा ही होता है जो मूवी का बजट था वो था 47 dollar, वो तो तो मिलियन यूएस डॉलर एंड मूवी ने जो टोटल कमाया है वो है 203 मिलियन यूएस डॉलर तो सीधा सीधा देखा जाए 150 मिलियन से ज़्यादा ही मूवी ने प्रॉफिट में अर्न किया है तो हाँ अगर स्टोरी नहीं अच्छी होती तो नहीं बंदे लोग इसे देखते हैं तो तुम लोग जाओ मज़ा आएगा देखने में एंड uh, हाँ मैं तो बोलूँगा जरूर देखना अगर तुम साईफाई जनरा से बिलोंग करते हो एंड ऐसे मूवी पे वेट करते हो क्योंकि और भी हम लोग साईफाई मूवी को एक्सप्लेन करेंगे आगे की वीडियो के अंदर एंड वैस एक्सन एक्सन मैंने आप लोगों को मूवी के कास्ट क्रू को नहीं बताया ताकि मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोग अगर हीरो को पसंद करोगे तभी जाके देखते हो मूवी ऐसा भी सीन होता है तो जो जेमरी राइनर हैं जेरमी राइनर हैं वो ही आई डॉनली का रोल प्ले कर रहे हैं तो हाँ मूवी देखना बनता है भाई जानते हो यार हॉका है यार अच्छा मतलब खतरनाक लगता है देखने में भी एंड उसका मूवी जो है वो भी थोड़ा हाँ अच्छे ठीक ठाक होते हैं फॉरेस्ट वाइट टॉकर जो हैं जो कॉलन वेबर का रोल प्ले कर रहे थे हैं। और एमी एडम्स हैं जो डॉक्टर लुइस बैंक का रोल प्ले कर रही थी जो मैंने बैंक बोला था ना वो कैरेक्टर थी समझ में आ गया माइकल स्टगलर स्ट्रगलरबार्ग जो हैं एजेंट हेल्पन का रोल प्ले कर रहे होते हैं टीजी जी माँ जो हैं वो जर्नल शांग का रोल प्ले कर रहे होते हैं हाँ तो गाइस अब इधर पता चल रहा है कि एक यू वाला यूएस कंट्री एंड चाइना या फिर जापान कोई भी भाई हो सकती है एशियन एक कंट्री जहाँ पे चीनी से लेके जापान कोरियन वो सारे लोग हो सकते हैं जब चैंग वेंग शेंग वेंग आ गया तो अभी गाइल फैनिस को जो है वो हैना का रोल प्ले कर रही होती हैं मार्को ब्रायन जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं कैप्टन मार्क्स का जैडी मेलोना जो है हैना का रोल प्ले कर रही थी एंड जूली स्कारलेट डैन जो है वो भी हैना का रोल प्ले कर रहे थे तीन तीन हैना सही है छोटे से बड़ी हो रही है रसल यून जो हैं चाइनीज़ साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रहे होते हैं तो हाँ तुम्हें पता नहीं मैंने बोला था अभी कुछ देर पहले चाइनीज़ हाँ तो भाई चाइनीज साइंटिस्ट ही मूवी के अंदर नैथली टी बेल्ट जो हैं वो गाला गेस्ट का रोल प्ले कर रही होती हैं फ्रैंक स्कॉर्पिन जो हैं वो डॉक्टर केटलर का रोल प्ले कर रहे होते हैं एंड उसके बाद भी अगर हम लोग देखा जाए तो सो ऑन बहुत ज़्यादा है कैस्ट एंड क्रिवलिस्ट क्योंकि मूवी ठीक ठाक है तो या जाके तुम लोग मूवी का इन्जॉय करो और बताना मूवी कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ठीक एक बार किक दूंगा अगर तुम्हें स्टोरी अच्छा लगेगी तो मैं बताऊंगा मूवी को कहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो और कहां से जाके देख सकते हो एंड उसके बाद हम लोग मूवी के फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर भी बात करेंगे सो तो या गाइस चलो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मैं बोलने वाला था चलो बाय बाय करके तो हाँ गाइस मूवी ऐसा स्टार्ट होता है अराइवल करके जहाँ पर दिखाया जाता है अपना जो पृथ्वी है उसके आजू बाजू में टोटल जानते हो कितने सारे स्पेस एलियन क्राफ्ट आ जाते हैं बहुत ज़्यादा एलियन स्पेस क्राफ्ट आ जाते हैं जो टोटल संख्या में होते हैं बारह तो समझ जाओ बारह बड़े बड़े एलियन स्पेस क्राफ्ट आ जाते हैं अपने पृथ्वी के हर एक अलग अलग कोने में अब ये देखने के बाद जो यूएस आर्मी होती है वो बैठेगी तो नहीं क्योंकि मूवी जो है यू एस है इतना मैं बताना चाहता हूँ अदरवाइज़ वर्ल्ड वाइड का प्रॉब्लम होता तो भाई सारे लोग संभाल सकते थे तो हाँ यू का मूवी होता है तो यू के जो एजेंट्स होते हैं और बहुत सारे लोग आर्मी वाले होते हैं तो पहले ऐसा किया जाता है मूवी के अंदर सारे आर्मियों को भी इंचार्ज बना दिया जाता है एंड आर्मी लोग भी जाके उस स्पेस शिप की केयर कर रहे होते हैं केयर का मतलब उसका मतलब जाके भाई फ्यूल नहीं भर रहे होते हैं वो जाके दूर से उसके ऊपर नज़र रख रहे होते हैं कोई भी हलचल होगी तो हम लोग उसके ऊपर हमला बोल देंगे ऐसा करके ओके अब आगे दिखाया जाता है जो यूएस के मेन प्रेसिडेंट होते हैं या फिर कोनेल वेबर जो होते हैं वो रिक्रूट करते हैं बैंक बैंक मतलब बैंक ना एक फिजिस्ट का नाम है तुम सोचना मत बैंक में जब बोलूँगा तो एक कोई बैंक की बात कर रहा है बैंक मतलब इस मूवी के अंदर एक कैरेक्टर का नाम है और डोनली डोनली होती है ओके बैंक एंड डोनली जो होते हैं वो लोग होते हैं वो क्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके जो एलियन वाले एन भाषा है उसे डी करेंगे क्योंकि एलियन भाषा तो भाई आती नहीं है ह्यूमन्स को तो ऑबियसली उसे डिगोड करना बहुत जरूरी है तो अब ये जो दो, दो लोग होते हैं ये लोग एक एलियन से कांटेक्ट करते हैं जिसका भाई एक मतलब जानते कि इतना तो सेवन लिम्ब्ड होता है सात लिम्ब एलियन होता है तो बड़ा खतरनाक वो देखने में होता है तो उसका ये लोग नाम रखते हैं हेप्टापॉड्स करके अब हेप्टापॉड नाम रखने के बाद उससे ये लोग हेल्प लेते हैं क्योंकि इस भाषा को ये लोग डिगोड करना चाहते थे जो एलियन लैंग्वेज है उसे लोग डी करेंगे तभी जाके मतलब मूवी आगे बढ़ेगी एंड दिस इज़ वॉट मूवी का प्लॉट है इसके आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा तो मूवी का मैं स्पॉयलर दे दूँगा वो मैं नहीं चाहता हूँ तो गाइस चलो जो मूवी है 2016 में नहीं आई थी वो मूवी है लॉन्च हुई थी 2016 के सितंबर वन को ओके <laughs> गाइस okay, तो हाँ 2016 सितंबर सिक्सटीन को मूवी रिलीज़ हुई थी अमेरिकन साइंस फिक्शन ड्रामा मूवी है मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है डेनिस एंड स्क्रीन प्ले किया गया है एरिक के द्वारा उसके बाद स्टोरी बाय यूअर लाइफ बाय टेड चियांग करके हैं कोई चाइनीज चियांग पता नहीं कौन है और जो मूवी के प्रोड्यूसर थे वो थे शॉनली डैन लिवाइन आयरन राइडर एंड डेविड लिंडी स्टारिंग कास्ट है एमी एडम्स एंड जेरमी रेनर्स फॉरेस्ट वाइट टेकर मेकल उसके बाद टीजीमा एंड सीमेटोग्राफी किया गया है ब्रैड फॉर्ड यंग के द्वारा एंड एडिटर जो मूवी के थे जोई वालकर उसके बाद द मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनियां हैं वो हैं फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट्स लावा बियर ट्वेंटी वन लैब्स एंटरटेनमेंट जो मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज़्यादा मैटर करता है वर्ल्ड वाइड ही लोग डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं तो पैरामाउंट्स पिक्चर जो थे वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कराएँ और जो एंटरटेनमेंट वन थे यूनाइटेड किंगडम के अंदर कराएँ एंड जो रोड शो फिल्म्स है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कराई अब सोचोगे तुम लोग भाई वर्ल्ड वाइड तूने बोला था मतलब ये कैसे हम लोग देखें तो उसके लिए ओ बोला जाता है ओटी है भाई तो अमेजॉन प्राइम वीडियो पे जाओगे तो ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है तो ही अगर नहीं है तो तुम्हें पता है क्या करना है कैसे जाके करना है तो ओ भाई मैं बस मैं तुम्हें प्लॉट बता रहा था ताकि मूवी में अगर तुम्हें साईफाई थ्रिलर जेनरा से तुम बिलोंग करते हो तो जाके इस मूवी को एक बार देख लेना हाँ मूवी मैं बताऊंगा ठीक ठाक है उतना खतरनाक आप नहीं बोल सकते हो लेकिन हाँ मूवी देखने लायक है क्योंकि एलियन विलिन आते हैं तो यार साई फाई मूवी के अंदर एक जोश आ जाता है अलग सा और देखने में मज़ा भी आता है तो चलो रेटिंग वेटिंग के ऊपर भी बात कर लिया जाए तो वैसे सुनो सेवन की आई एम रेटिंग है 10 आउट ऑफ 7.9 मतलब रेटिंग भी है बहुत ज़बरदस्त है तो देखने लायक मूवी है और जो रोटन टमाटोज की रेटिंग है वो है नाइन्टी परसेंट एटी परसेंट ऑफ़ द गूगल यूज गूगल यूज़र ने इसे लाइक किया तो हाँ मैं बोलूँगा भाई गूगल यूज़र का कोई सीन नहीं होता है लोग फालतू के मतलब फालतू नहीं बोल सकते हो लाइक हाँ जिसके पास गूगल आई है वो जाके मूवी को लाइक बटन दबा देगा तो गूगल लाइक्स को देख के कभी मूवी को जज मत करना वो बहुत हर मूवी पर ज़्यादा ही होता है जो मूवी का बजट था वो था 47 मिलियन यूएस डॉलर एंड मूवी ने जो टोटल कमाया है वो है 203 मिलियन यूएस डॉलर तो सीधा सीधा देखा जाए 150 मिलियन से ज़्यादा ही मूवी ने प्रॉफिट में अर्न किया है तो हाँ अगर स्टोरी नहीं अच्छी होती तो नहीं बंदे लोग इसे देखते हैं तो तुम लोग जाओ मजा आएगा देखने में एंड uh, हाँ मैं तो बोलूँगा जरूर देखना अगर तुम साईफाई जनरा से बिलोंग करते हो एंड ऐसे मूवी पे वेट करते हो क्योंकि और भी हम लोग साईफाई मूवी को एक्सप्लेन करेंगे आगे की वीडियो के अंदर एंड गाइस एक, से, एक, से, एक से, मैंने आप लोगों को मूवी के कास्ट क्रू को नहीं बताया ताकि मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोग अगर हीरो को पसंद करोगे तभी जाके देखते हो मूवी ऐसा भी सीन होता है तो जो जेमरी राइनर हैं जेरमी राइनर हैं वो ही आई डॉनली का रोल प्ले कर रहे हैं तो हाँ मूवी देखना बनता है भाई जानते हो यार हॉका है यार मच्छा मतलब खतरनाक लगता है देखने में भी एंड उसका मूवी जो है वो भी थोड़ा हाँ अच्छे ठीक ठाक होते हैं फॉरेस्ट वाइट टॉकर जो हैं जो कॉलन वेबर का रोल प्ले कर रहे होते हैं और एमी एडम्स हैं जो डॉक्टर लुइस बैंक का रोल प्ले कर रही थी जो मैंने बैंक से बोला था ना वो कैरेक्टर थी समझ में आ गया माइकल स्टगलर बार्ग जो हैं एजेंट हेल्पन का रोल प्ले कर रहे होते हैं टीजी जी माँ जो हैं वो जर्नल शांक का रोल प्ले कर रहे होते हैं हाँ तो वाइस अब इधर पता चल रहा है कि एक यू वाला यूएस कंट्री एंड चाइना या फिर जापान कोई भी भाई हो सकती है एशियन एक कंट्री जहाँ पे चीनी से लेके जापान कोरियन वो सारे लोग हो सकते हैं जब चैंग वेंग शेंगवेंग आ गया तो अभी गाइल फैनिस को जो है वो हैना का रोल प्ले कर रही होती हैं मार्को ब्रायन जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं कैप्टन मार्क्स का जैडी मेलोना जो है हैना का रोल प्ले कर रही थी एंड जूली स्कारलेट डैन जो है वो भी हैना का रोल प्ले कर रहे थे तीन तीन हैना सही है छोटे से बड़ी हो रही है रसल यून जो है चाइनीज़ साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रहे होते हैं तो हाँ तुम्हें पता नहीं मैंने बोला था अभी कुछ देर पहले चाइनीज़ हाँ तो भाई चाइनीज साइंटिस्ट हैं मूवी के अंदर नैथली टी बेल्ट जो है वो गाला गेस्ट का रोल प्ले कर रही होती हैं फ्रैंक स्कॉर्पिन जो है वो डॉक्टर केटलर का रोल प्ले कर रहे होते हैं एंड उसके बाद भी अगर हम लोग देखा जाए तो सो ऑन बहुत ज़्यादा है एंड क्रू लिस्ट क्योंकि मूवी ठीक ठाक है तो या जाके तुम लोग मूवी का एंजॉय करो और बताना मूवी कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में का एक बार किक दूंगा अगर तुम्हें स्टोरी अच्छा लगेगी तो मैं बताऊंगा मूवी को कहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो और कहाँ से जाके देख सकते हो एंड उसके बाद हम लोग मूवी के फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर भी बात करेंगे सो तो या गाइस चलो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मैं बोलने वाला था चलो बाय बाय करके तो हाँ गाइस मूवी ऐसा स्टार्ट होता है अराइवल करके जहाँ पे दिखाया जाता है अपना जो पृथ्वी है उसके आजू बाजू में टोटल जानते हो कितने सारे स्पेस एलियन क्राफ्ट आ जाते हैं बहुत सारा एलियन स्पेस क्राफ्ट आ जाते हैं जो टोटल संख्या में होते हैं बारह तो समझ जाओ बारह बड़े बड़े एलियन स्पेस क्राफ्ट आ जाते हैं अपने पृथ्वी के हर एक अलग अलग कोने में अब ये देखने के बाद जो यू एस आर्म होती है वो बैठेगी तो नहीं क्योंकि मूवी जो है यू एस एक है इतना मैं बताना चाहता हूँ अदरवाइज़ वर्ल्ड वाइड का प्रॉब्लम होता तो भाई सारे लोग संभाल सकते थे तो हाँ यू एस का मूवी होता है तो यू एस के जो एजेंट्स होते हैं और बहुत सारे लोग आर्मी वाले होते हैं तो पहले ऐसा किया जाता है मूवी के अंदर सारे आर्मी को भी इंचार्ज बना दिया जाता है एंड आर्मी लोग भी जाके उस स्पेस शिप की केयर कर रहे होते हैं केयर का मतलब उसका मतलब जाके भाई फ्यूल नहीं भर रहे होते हैं वो जाके दूर से उसके ऊपर नजर रख रह रहे होते हैं कोई भी हलचल होगी तो हम लोग उसके ऊपर हमला बोल देंगे ऐसा करके ओके अब आगे दिखाया जाता है जो यूएस के मेन प्रेसिडेंट होते हैं या फिर कॉनल वेबर जो होते हैं वो रिक्रूट करते हैं बैंक बैंक मतलब बैंक ना एक फिजिस्ट का नाम है तुम सोचना मत बैंक में जब बोलूँगा तो एक कोई बैंक की बात कर रहा है बैंक मतलब इस मूवी के अंदर एक कैरेक्टर का नाम है और डोनली डॉनली होती है ओके बैंक एंड डॉनली जो होते हैं वो लोग होते हैं वो क्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके जो एलियन वाले भाषा है उसे डी करेंगे क्योंकि एलियन भाषा तो भाई आती नहीं है ह्यूमन्स को तो ऑब्वियसली उसे डी करना बहुत ज़रूरी है तो अब ये जो दो, दो लोग होते हैं ये लोग एक एलियन से कांटेक्ट करते हैं जिसका भाई आ, एक मतलब जानते होते हैं सेवन लिम्ब्ड होता है सात लिम्ब एलियन होता है तो बड़ा खतरनाक वो देखने में होता है तो उसका ये लोग नाम रखते हैं हेप्टापॉड्स करके अब हेप्टापॉड नाम रखने के बाद उससे लोग हेल्प लेते हैं क्योंकि इस भाषा को ये लोग डी करना चाहते थे जो एलियन लैंग्वेज है उसे ये लोग डी करेंगे तभी जाके मतलब मूवी आगे बढ़ेगी एंड दिस इज वॉट मूवी का प्लॉट है इसके आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा तो मूवी का मैं स्पॉइलर दे दूंगा वो मैं नहीं चाहता हूँ तो गाइस चलो जो मूवी है 2016 में नहीं आई थी वो मूवी है लॉन्च हुई थी 2016 के सितंबर वन, <laughs> तो वन को ओके गाइस तो हाँ 2016 सितंबर सिक्सटीन वन को मूवी रिलीज़ हुई थी अमेरिकन साइंस फिक्शन ड्रामा मूवी है मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है डेनिस एंड स्क्रीन प्ले किया गया है एरिक के द्वारा उसके, उसके बाद स्टोरी बाई यूअर लाइफ बाई टेड चियांग करके हैं कोई चाइनीज चियांग पता नहीं कौन है और जो मूवी के प्रोड्यूसर थे वो थे शॉनली डैन लिवाइन आयरन राइडर एंड डेविड लिंडी स्टारिंग कास्ट है एमी एडम्स एंड जेरमी रेनर्स फॉरेस्ट वाइट टेकर मेकल उसके बाद टीजीमा एंड सिनेमाटोग्राफिक किया गया है ब्रैडफोर्ड यंग के द्वारा एंड एडिटर जो मूवी के थे जोई वालकर उसके बाद मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनियां हैं वो हैं फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट्स लावा बियर ट्वेंटी वन लैब्स एंटरटेनमेंट जो मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स ना डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज़्यादा मैटर करता है वर्ल्ड वाइड ही लोग डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं तो पैरामाउंस पिक्चर जो थे वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कराएँ और जो एंटरटेनमेंट वन थे यूनाइटेड किंगडम के अंदर कराएँ एंड जो रोड शो फिल्म है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कराई अब सोचोगे तुम लोग भाई वर्ल्ड वाइड तूने बोला था मतलब ये कैसे हम लोग देखें तो उसके लिए ओ बोला जाता है ओ है भाई तो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे जाओगे तो ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है तो ही अगर नहीं है तो तुम्हें पता है क्या करना है कैसे जाके करना है तो ओ भाई मैं बस मैं तुम्हें प्लॉट बता रहा था ताकि मूवी में अगर तुम्हें साईफाई थ्रिलर जेनरा से तुम बिलोंग करते हो तो जाके इस मूवी को एक बार देख लेना हाँ मूवी मैं बताऊँगा ठीक ठाक है उतना खतरनाक आप नहीं बोल सकते हो लेकिन हाँ मूवी देखने लायक है क्योंकि एलियन विलिन आते हैं तो यार साईफाई मूवी के अंदर एक जोश आ जाता है अलग सा और देखने में मज़ा भी आता है तो चलो रेटिंग वेटिंग के ऊपर भी बात कर लिया जाए तो वैसे सुनो 7.9 की आई रेटिंग है 10 आउट ऑफ 7.9 मतलब रेटिंग भी है बहुत जबरदस्त है तो देखने लायक मूवी है और जो रोटन टमेटोज की रेटिंग है वो है नाइन्टी फोर ऑफ द गूगल गूगल यूजर ने इसे लाइक किया तो हाँ मैं बोलूँगा भाई गूगल यूज़र का कोई सीन नहीं होता है लोग फालतू के मतलब फालतू नहीं बोल सकते हो लाइक हाँ जिसके पास गूगल आई है वो जाके मूवी को लाइक बटन दबा देगा तो गूगल लाइक्स को देखकर कभी मूवी को जज मत करना वो बहुत हर मूवी पे वो ज़्यादा ही होता है जो मूवी का बजट था वो था 47 मिलियन यूएस डॉलर एंड मूवी ने जो टोटल कमाया है वो है 203 मिलियन यूएस डॉलर तो सीधा सीधा देखा जाए 150 मिलियन से ज़्यादा ही मूवी ने प्रॉफिट में अर्न किया है तो हाँ अगर स्टोरी नहीं अच्छी होती तो नहीं बंदे लोग इसे देखते हैं तो तुम लोग जाओ मज़ा आएगा देखने में एंड uh, हाँ मैं तो बोलूँगा जरूर देखना अगर तुम साईफाई जनरा से बिलोंग करते हो एंड ऐसे मूवी पे वेट करते हो क्योंकि और भी हम लोग साईफाई मूवी को एक्सप्लेन करेंगे आगे की वीडियो के अंदर एंड गाइस एक सी एक्सन मैंने आप लोगों को मूवी के कैस्ट क्रू को नहीं बताया ताकि मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोग अगर हीरो को पसंद करोगे तभी जाके देखते हो मूवी ऐसा भी सीन होता है तो जो जेमरी राइनर हैं जेरमी राइनर हैं वो ही आई डॉनली का रोल प्ले कर रहे हैं तो हाँ मूवी देखना बनता है भाई जानते हो यार हॉका है यार मच्छा मतलब खतरनाक लगता है देखने में भी एंड उसका मूवी जो है वो भी थोड़ा हाँ अच्छे ठीक ठाक होते हैं फॉरेस्ट वाइट टॉकर जो हैं जो कॉलन वेबर का रोल प्ले कर रहे थे हैं। और एमी एडम्स हैं जो डॉक्टर लुइस बैंक का रोल प्ले कर रही थी जो मैंने बैंक बोला था ना वो कैरेक्टर थी समझ में आ गया माइकल स्टगलर स्ट्रगलरबार्ग जो हैं एजेंट हेल्पन का रोल प्ले कर रहे होते हैं टीजी जी माँ जो हैं वो जर्नल शांग का रोल प्ले कर रहे होते हैं हाँ तो गाइस अब इधर पता चल रहा है कि एक यू वाला यू कंट्री एंड चाइना या फिर जापान कोई भी भाई हो सकती है एशियन एक कंट्री जहाँ पे चीनी से लेके जापान कोरियन वो सारे लोग हो सकते हैं जब चैंग वेंग, चैंग वेंग आ गया तो अभी गाइल को जो है वो हैना का रोल प्ले कर रही होती हैं मार्को ब्रायन जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं कैप्टन मार्क्स का जैडी मेलोना जो है हैना का रोल प्ले कर रही थी एंड जूली स्कारलेट डैन जो है वो भी हैना का रोल प्ले कर रहे थे तीन तीन हैना सही है छोटे से बड़ी हो रही है रसल यूइन जो है चाइनीज़ साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रहे होते हैं तो हाँ तुम्हें पता नहीं मैंने बोला था अभी कुछ देर पहले चाइनीज़ हाँ तो भाई चाइनीज़ साइंटिस्ट ही हैं मूवी के अंदर नैथली टी बेल्ट जो हैं वो गाला गेस्ट का रोल प्ले कर रही होती हैं फ्रैंक स्कॉर्पिन जो हैं वो डॉक्टर केटलर का रोल प्ले कर रहे होते हैं एंड उसके बाद भी अगर हम लोग देखा जाए तो सो ऑन बहुत ज़्यादा है कैस्ट एंड क्रिवलिस्ट क्योंकि मूवी ठीक ठाक है तो या जाके तुम लोग मूवी का एंजॉय करो और बताना मूवी कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ठीक एक बार किक दूंगा अगर तुम्हें स्टोरी अच्छा लगेगी तो मैं बताऊंगा मूवी को कहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो और कहां से जाके देख सकते हो एंड उसके बाद हम लोग मूवी के फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर भी बात करेंगे सो तो या गाइस चलो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मैं बोलने वाला था चलो बाय बाय करके तो हाँ गाइस मूवी ऐसा स्टार्ट होता है अराइवल करके जहाँ पर दिखाया जाता है अपना जो पृथ्वी है उसके आजू बाजू में टोटल जानते हो कितने सारे स्पेस एलियन क्राफ्ट आ जाते हैं बहुत सारा एलियन स्पेस क्राफ्ट आ जाते हैं जो टोटल संख्या में होते हैं बारह तो समझ जाओ बारह बड़े बड़े एलियन स्पेस क्राफ्ट आ जाते हैं अपने पृथ्वी के हर एक अलग अलग कोने में अब ये देखने के बाद जो यू एस आर्मी होती है वो बैठेगी तो नहीं क्योंकि मूवी जो है यू एस एक है इतना मैं बताना चाहता हूँ अदरवाइज़ वर्ल्ड वाइड का प्रॉब्लम होता तो भाई सारे लोग संभाल सकते थे तो हाँ यू एस का मूवी होता है तो यू एस के जो एजेंट्स होते हैं और बहुत सारे लोग आर्मी वाले होते हैं तो पहले ऐसा किया जाता है मूवी के अंदर सारे आर्मियों को भी इंचार्ज बना दिया जाता है एंड आर्मी लोग भी जाके उस स्पेस शिप की केयर कर रहे होते हैं केयर का मतलब उसका मतलब जाके भाई फ्यूल नहीं भर रहे होते हैं वो जाके दूर से उसके ऊपर नजर रख रहे होते हैं कोई भी हलचल होगी तो हम लोग उसके ऊपर हमला बोल देंगे ऐसा करके ओके अब आगे दिखाया जाता है जो यू के मेन प्रेजिडेंट होते हैं या फिर कॉनल वेबर जो होते हैं वो रिक्रूट करते हैं बैंक बैंक मतलब बैंक ना एक फिजिस्ट का नाम है तुम सोचना मत बैंक में जब बोलूँगा तो एक कोई बैंक की बात कर रहा है बैंक मतलब इस मूवी के अंदर एक कैरेक्टर का नाम है और डोनली डॉनली होती है ओके बैंक एंड डॉनली जो होते हैं वो लोग होते हैं वो क्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके जो एलियन वाले एन को भाषा है उसे डी करेंगे क्योंकि एलियन भाषा तो भाई आती नहीं है ह्यूमन्स को तो ऑब्वियसली, उसे डी करना बहुत जरूरी है तो अब ये जो दो लो लोग होते हैं ये लोग एक एलियन से कांटेक्ट करते हैं जिसका भाई एक मतलब जानते हो तो कितना सेवन लिम्ब्ड होता है सात लिम्ब एलियन होता है तो बड़ा खतरनाक और देखने में होता है तो उसका ये लोग नाम रखते हैं हेप्टापॉड्स करके अब हेप्टापॉड नाम रखने के बाद उससे लोग हेल्प लेते हैं क्योंकि इस भाषा को ये लोग डी करना चाहते थे जो एलियन लैंग्वेज है उसे ये लोग डी करेंगे तभी जाके मतलब मूवी आगे बढ़ेगी एंड दिस इज़ वॉट मूवी का प्लॉट है इसके आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा तो मूवी का मैं स्पॉयलर दे दूँगा वो मैं नहीं चाहता हूँ तो गाइस चलो जो मूवी है 2016 में नहीं आई थी वो मूवी है लॉन्च हुई थी 2016 के सितंबर वन, <laughs> तो वन को ओके गाइस तो हाँ 2016 सितंबर सिक्सटीन को मूवी रिलीज़ हुई थी अमेरिकन साइंस फिक्शन ड्रामा मूवी है मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है डेनिस एंड स्क्रीन प्ले किया गया है एरिक के द्वारा उसके, उसके बाद स्टोरी बाई यूअर लाइफ बाई टेड चियांग करके हैं कोई चाइनीज चियांग पता नहीं कौन है और जो मूवी के प्रोड्यूसर थे वो थे शॉनली डैन लिवाइन आयरन राइडर एंड डेविड लिंडी। स्टारिंग कास्ट है एमी एडम्स एंड जेरमी रेनर्स फॉरेस्ट वाइट टेकर मेकल उसके बाद टीजीमा एंड सिनेमेटोग्राफिक किया गया है ब्रैड फॉर्ड यंग के द्वारा एंड एडिटर जो मूवी के थे जोई वालकर उसके बाद मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनियां हैं वो हैं फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट्स लावा बियर ट्वेंटी वन एंटरटेनमेंट जो मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है वर्ल्ड वाइड यही लोग डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं तो पैरामाउंट्स पिक्चर जो थे वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कराएँ और जो एंटरटेनमेंट वन थे यूनाइटेड किंगडम के अंदर कराएँ एंड जो रोड शो फिल्म है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कराई अब सोचोगे तुम लोग भाई वर्ल्ड वाइड तूने बोला था मतलब ये कैसे हम लोग देखें तो उसके लिए ओ बोला जाता है ओ है भाई तो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे जाओगे तो ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है तो ही अगर नहीं है तो तुम्हें पता है क्या करना है कैसे जाके करना है तो ओ भाई मैं बस मैं तुम्हें प्लॉट बता रहा था ताकि मूवी में अगर तुम्हें साई साईफाई थ्रिलर जनरल से तुम बिलोंग करते हो तो जाके इस मूवी को एक बार देख लेना हाँ मूवी मैं बताऊंगा ठीक ठाक है उतना खतरनाक आप नहीं बोल सकते हो लेकिन हाँ मूवी देखने लायक है क्योंकि इलिन विलिन आते हैं तो यार साईफाई मूवी के अंदर एक जोश आ जाता है अलग सा और देखने में मजा भी आता है तो चलो रेटिंग वेटिंग के ऊपर भी बात कर लिया जाए तो भाई सुनो 7.9 की आई रेटिंग है 10 आउट ऑफ 7.9 मतलब रेटिंग भी है बहुत ज़बरदस्त है तो देखने लायक मूवी है और जो रोटन टमेटोज की रेटिंग है वो है 94 फोर परसेंट एटी परसेंट ऑफ द गूगल यूज गूगल यूज़र ने इसे लाइक किया तो हाँ मैं बोलूंगा भाई गूगल यूज़र का कोई सीन नहीं होता है लोग फालतू के मतलब फालतू नहीं बोल सकते हो लाइक हाँ जिसके पास गूगल आई है वो जाके मूवी को लाइक बटन दबा देगा तो गूगल लाइक्स को दे के कभी मूवी को जज मत करना हो बहुत हर मूवी पर वो ज़्यादा ही होता है जो मूवी का बजट था वो था 47 मिलियन यूएस डॉलर एंड मूवी ने जो टोटल कमाया है वो है 203 मिलियन यूएस डॉलर तो सीधा सीधा देखा जाए 150 मिलियन से ज़्यादा ही मूवी ने प्रॉफिट में अर्न किया है तो हाँ अगर स्टोरी नहीं अच्छी होती तो नहीं बंदे लोग इसे देखते हैं तो तुम लोग जाओ मज़ा आएगा देखने में एंड हाँ uh, मैं तो बोलूँगा जरूर देखना अगर तुम साईफाई जनरल से बिलोंग करते हो एंड ऐसे मूवी पे वेट करते हो क्योंकि और भी हम लोग साईफाई मूवी को एक्सप्लेन करेंगे आगे की वीडियो के अंदर एंड गाइस एक कैसे मैंने आप लोगों को मूवी के कैस्ट क्रू को नहीं बताया ताकि मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोग अगर हीरो को पसंद करोगे तभी जाके देखते हो मूवी ऐसा भी सीन होता है तो जो जेमरी राइनर हैं जेरमी राइनर हैं वो ही आई डॉनली का रोल प्ले कर रहे हैं तो हाँ मूवी देखना बनता है भाई जानते हो यार हॉका ही है यार मच्छा मतलब खतरनाक लगता है देखने में भी एंड उसका मूवी जो है वो भी थोड़ा हाँ अच्छे ठीक ठाक होते हैं फॉरेस्ट वाइट टॉकर जो हैं जो कॉलन वेबर का रोल प्ले कर रहे थे हैं। और एमी एडम्स हैं जो डॉक्टर लुइस बैंक का रोल प्ले कर रही थी जो मैंने बैंक बोला था ना वो कैरेक्टर थी समझ में आ गया माइकल स्टगलर स्ट्रगलरबार्ग जो हैं एजेंट हेल्पन का रोल प्ले कर रहे होते हैं टीजी जी माँ जो हैं वो जर्नल शांग का रोल प्ले कर रहे होते हैं हाँ तो वाइस अब इधर पता चल रहा है कि एक यूएसए वाला यूएस कंट्री एंड चाइना या फिर जापान कोई भी भाई हो सकती है एशियन एक कंट्री जहाँ पे चीनी से लेके कोरियन वो सारे लोग हो सकते हैं जब चैंग वेंग, चैंग वेंग आ गया तो अभी गायल फैनिसो को जो है वो हैना का रोल प्ले कर रही होती हैं मार्को ब्रायन जो हैं वो रोल प्ले कर रहे होते हैं कैप्टन मार्क्स का जैडी मेलोना जो है हैना का रोल प्ले कर रही थी एंड जूली स्कारलेट डैन जो है वो भी हैना का रोल प्ले कर रहे थे तीन तीन हैना सही है छोटे से बड़ी हो रही है रसल यूइन जो है चाइनीज़ साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रहे होते हैं तो हाँ तुम्हें पता नहीं मैंने बोला था अभी कुछ देर पहले चाइनीज़ हाँ तो भाई चाइनीज साइंटिस्ट ही हैं मूवी के अंदर नैथली टी बेल्ट जो है वो गाला गेस्ट का रोल प्ले कर रही होती हैं फ्रैंक स्कॉर्पिन जो है वो डॉक्टर केटलर का रोल प्ले कर रहे होते हैं एंड उसके बाद भी अगर हम लोग देखा जाए तो सो ऑन बहुत ज़्यादा है एंड कैश्ट्रूलिस्ट क्योंकि मूवी ठीक ठाक है तो या जाके तुम लोग मूवी का एंजॉय करो और बताना मूवी कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में का एक बार किक दूंगा अगर तुम्हें स्टोरी अच्छा लगेगी तो मैं बताऊंगा मूवी को कहाँ से जा डाउनलोड कर सकते हो और कहाँ से जाके देख सकते हो एंड उसके बाद हम लोग मूवी के फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर भी बात करेंगे सो तो या गाइस चलो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मैं बोलने वाला था चलो बाय बाय करके तो हाँ गाइस मूवी ऐसा स्टार्ट होता है अराइवल करके जहाँ पर दिखाया जाता है अपना जो पृथ्वी है उसके आजू बाजू में टोटल जानते हो कितने सारे स्पेस एलियन क्राफ्ट आ जाते हैं बहुत ज़्यादा एलियन स्पेस क्राफ्ट आ जाते हैं जो टोटल संख्या में होते हैं बारह तो समझ जाओ बारह बड़े बड़े एलियन स्पेस क्राफ्ट आ जाते हैं अपने पृथ्वी के हर एक अलग अलग कोने में अब ये देखने के बाद जो यू एस आर्मी होती है वो बैठेगी तो नहीं क्योंकि मूवी जो है यू एस एक है इतना मैं बताना चाहता हूँ अदरवाइज़ वर्ल्ड वाइड का प्रॉब्लम होता तो भाई सारे लोग संभाल सकते थे तो हाँ यू एस का मूवी होता है तो यू एस के जो एजेंट्स होते हैं और बहुत सारे लोग आर्मी वाले होते हैं तो पहले ऐसा किया जाता है मूवी के अंदर सारे आर्मियों को भी इंचार्ज बना दिया जाता है एंड आर्मी लोग भी जाके उस स्पेस शिप की केयर कर रहे होते हैं केयर का मतलब उसका मतलब जाके भाई फ्यूल नहीं भर रहे होते हैं वो जाके दूर से उसके ऊपर नजर रख रहे होते हैं कोई भी हलचल होगी तो हम लोग उसके ऊपर हमला बोल देंगे ऐसा करके ओके अब आगे दिखाया जाता है जो यू के मेन प्रेजिडेंट होते हैं या फिर कॉनल वेबर जो होते हैं वो रिक्रूट करते हैं बैंक बैंक मतलब बैंक ना एक फिजिस्ट का नाम है तुम सोचना मत बैंक में जब बोलूँगा तो एक कोई बैंक की बात कर रहा है बैंक मतलब इस मूवी के अंदर एक कैरेक्टर का नाम है और डोनली डॉनली होती है ओके बैंक एंड डॉनली जो होते हैं वो लोग होते हैं वो क्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके जो एलियन वाले एन को भाषा है उसे डी करेंगे क्योंकि एलियन भाषा तो भाई आती नहीं है ह्यूमन्स को तो ऑब्वियसली, उसे डी करना बहुत ज़रूरी है तो अब ये जो दो, दो लोग होते हैं ये लोग एक एलियन से कांटेक्ट करते हैं जिसका भाई एक मतलब जानते तो हो कितना सेवन लिम्ब्ड होता है सात लिब्ड एलियन होता है तो बड़ा खतरनाक और देखने में होता है तो उसका ये लोग नाम रखते हैं हेप्टापॉड्स करके अब हेप्टापॉड नाम रखने के बाद उससे ये लोग हेल्प लेते हैं क्योंकि इस भाषा को ये लोग डी करना चाहते थे जो एलियन लैंग्वेज है उसे ये लोग डी करेंगे तभी जाके मतलब मूवी आगे बढ़ेगी एंड दिस इज़ वॉट मूवी का प्लॉट है इसके आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा तो मूवी का मैं स्पॉयलर दे दूंगा वो मैं नहीं चाहता हूँ तो गाइस चलो जो मूवी है 2016 में नहीं आई थी वो मूवी है लॉन्च हुई थी 2016 के सितंबर <laughs> okay तो वन को ओके गाइस तो हाँ 2016 सितंबर सिक्सटीन को मूवी रिलीज हुई थी अमेरिकन साइंस फिक्शन ड्रामा मूवी है मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है डेनिस एंड स्क्रीन प्ले किया गया है एरिक के द्वारा उसके, उसके बाद स्टोरी बाय यूर लाइफ बाय टेड चियांग करके हैं कोई चाइनीज चियांग पता नहीं कौन है और जो मूवी के प्रोड्यूसर थे वो थे ली डैन लिव आयरन राइडर एंड डेविड लिंडी स्टारिंग कास्ट है एमी एडम्स एंड जेरमी रेनर्स फॉरेस्ट वाइट टेकर मेकल उसके बाद टीजीमा एंड सिनेमाटोग्राफिक किया गया है ब्रैड फॉर्ड यंग के द्वारा एंड एडिटर जो मूवी के थे जोई वालकर उसके बाद मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनियां हैं वो हैं फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट्स लावा बियर ट्वेंटी वन लैब्स एंटरटेनमेंट जो मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है वर्ल्ड वाइड यही लोग डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं तो पैरामाउंट्स पिक्चर जो थे वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कराएँ और जो एंटरटेनमेंट वन थे यूनाइटेड किंगडम के अंदर कराएँ एंड जो रोड शो फिल्म है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कराई अब सोचोगे तुम लोग भाई वर्ल्ड वाइड तूने बोला था मतलब एक ऐसे हम लोग देखें तो उसके लिए ओ बोला जाता है ओ है भाई तो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे जाओगे तो ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है तो ही अगर नहीं है तो तुम्हें पता है क्या करना है कैसे जाके करना है तो ओ भाई मैं बस मैं तुम्हें प्लॉट बता रहा था ताकि मूवी में अगर तुम्हें साईफाई थ्रिलर जेनरल से तुम बिलोंग करते हो तो जाके इस मूवी को एक बार देख लेना हाँ मूवी मैं बताऊँगा ठीक ठाक है उतना ख़तरनाक आप नहीं बोल सकते हो लेकिन हाँ मूवी देखने लायक है क्योंकि एलियन विलिन आते हैं तो यार साईफाई मूवी के अंदर एक जोश आ जाता है अलग सा और देखने में मज़ा भी आता है तो चलो रेटिंग वेटिंग के ऊपर भी बात कर लिया जाए तो गाइस सुनो 7.9 की आई एम डी भी रेटिंग है टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट नाइन मतलब रेटिंग भी है बहुत ज़बरदस्त है तो देखने लायक मूवी है और जो रोटन टोमेटोज़ की रेटिंग है वो है नाइन्टी फोर परसेंट एटी फाइव परसेंट ऑफ द गूगल यूज गूगल यूज़र ने इसे लाइक किया तो हाँ मैं बोलूँगा भाई गूगल यूज़र का कोई सीन नहीं होता है लोग फालतू के मतलब फालतू नहीं बोल सकते हो लाइक हाँ जिसके पास गूगल आई है वो जाके मूवी को लाइक बटन दबा देगा तो गूगल लाइक्स को देख के कभी मूवी को जज मत करना वो बहुत हर मूवी पर ज़्यादा ही होता है जो मूवी का बजट था वो था 47 मिलियन यूएस डॉलर एंड मूवी ने जो टोटल कमाया है वो है 203 मिलियन यूएस डॉलर तो सीधा सीधा देखा जाए 150 मिलियन से ज़्यादा ही मूवी ने प्रॉफिट में अर्न किया है तो हाँ अगर स्टोरी नहीं अच्छी होती तो नहीं बंदे लोग इसे देखते हैं तो तुम लोग जाओ मज़ा आएगा देखने में एंड uh, हाँ मैं तो बोलूँगा ज़रूर देखना अगर तुम साईफाई जनरा से बिलोंग करते हो एंड ऐसे मूवी पे वेट करते हो क्योंकि और भी हम लोग साईफाई मूवी को एक्सप्लेन करेंगे आगे की वीडियो के अंदर एंड गाइस एक एक्सन मैंने आप लोगों को मूवी के कैस्ट क्रू को नहीं बताया था कि मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोग अगर हीरो को पसंद करोगे तभी जाके देखते हो मूवी ऐसा भी सीन होता है तो जो जेमरी राइनर हैं जेरमी राइनर हैं वो ही आई डॉनली का रोल प्ले कर रहे हैं तो हाँ मूवी देखना बनता है भाई जानते हो यार हॉका है यार मच्छा मतलब खतरनाक लगता है देखने में भी एंड उसका मूवी जो है वो भी थोड़ा हाँ अच्छे ठीक ठाक होते हैं फॉरेस्ट वाइट टॉकर जो हैं जो कॉलन वेबर का रोल प्ले कर रहे थे हैं। और एमी एडम्स हैं जो डॉक्टर लुइस बैंक का रोल प्ले कर रही थी जो मैंने बैंक से बोला था ना वो कैरेक्टर थी समझ में आ गया माइकल स्टगलर स्ट्रगलरबार्ग जो हैं एजेंट हेल्पन का रोल प्ले कर रहे होते हैं टीजी माँ जो हैं वो जर्नल शांग का रोल प्ले कर रहे होते हैं हाँ तो वाइस अब इधर पता चल रहा है कि एक यू वाला यू कंट्री एंड चाइना या फिर जापान कोई भी भाई हो सकती है एशियन एक कंट्री जहाँ पे चीनी से लेके जापान कोरियन वो सारे लोग हो सकते हैं जब चैंग वेंग, चैंग वेंग आ गया तो अभी गाइल फैनिसो को जो है वो हैना का रोल प्ले कर रही होती हैं मार्को ब्रायन जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं कैप्टन मार्क्स का जेडी मेलोना जो है हैना का रोल प्ले कर रही थी एंड जूली स्कारलेट डैन जो है वो भी हैना का रोल प्ले कर रहे थे तीन तीन हैना सही है छोटे से बड़ी हो रही है रसल यून जो है चाइनीज़ साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रहे होते हैं तो हाँ तुम्हें पता नहीं मैंने बोला था अभी कुछ देर पहले चाइनीज हाँ तो भाई चाइनीज साइंटिस्ट ही है मूवी के अंदर नैथली टी बेल्ट जो है वो गाला गेस्ट का रोल प्ले कर रही होती हैं फ्रैंक स्कॉर्पिन जो हैं वो डॉक्टर केटलर का रोल प्ले कर रहे होते हैं एंड उसके बाद भी अगर हम लोग देखा जाए तो सो ऑन बहुत ज़्यादा है कैश्ट्रूलिस्ट क्योंकि मूवी ठीक ठाक है तो या जाके तुम लोग मूवी का एंजॉय करो और बताना मूवी कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ठीक एक बार किक दूंगा अगर तुम्हें स्टोरी अच्छा लगेगी तो मैं बताऊंगा मूवी को कहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो और कहां से जाके देख सकते हो एंड उसके बाद हम लोग मूवी के फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर भी बात करेंगे सो तो या गाइस चलो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मैं बोलने वाला था चलो बाय बाय करके तो हाँ गाइस मूवी ऐसा स्टार्ट होता है अराइवल करके जहाँ पर दिखाया जाता है अपना जो पृथ्वी है उसके आजू बाजू में टोटल जानते हो कितने सारे स्पेस एलियन क्राफ्ट आ जाते हैं बहुत ज़्यादा एलियन स्पेस क्राफ्ट आ जाते हैं जो टोटल संख्या में होते हैं बारह तो समझ जाओ बारह बड़े बड़े एलियन स्पेस क्राफ्ट आ जाते हैं अपने पृथ्वी के हर एक अलग अलग कोने में अब ये देखने के बाद जो यूएस आर्मी होती है वो बैठेगी तो नहीं क्योंकि मूवी जो है यू एस एक है इतना मैं बताना चाहता हूँ अदरवाइज वर्ल्ड वाइड का प्रॉब्लम होता तो भाई सारे लोग संभाल सकते थे तो हाँ यू का मूवी होता है तो यू के जो एजेंट्स होते हैं और बहुत सारे लोग आर्मी वाले होते हैं तो पहले ऐसा किया जाता है मूवी के अंदर सारे आर्मियों को भी इंचार्ज बना दिया जाता है एंड आर्मी लोग भी जाके उस स्पेस शिप की केयर कर रहे होते हैं केयर का मतलब उसका मतलब जाके भाई फ्यूल नहीं भर रहे होते हैं वो जाके दूर से उसके ऊपर नजर रख रहे होते हैं कोई भी हलचल होगी तो हम लोग उसके ऊपर हमला बोल देंगे ऐसा करके ओके अब आगे दिखाया जाता है जो यू के मेन प्रेजिडेंट होते हैं या फिर कोनेल वेबर जो होते हैं वो रिक्रूट करते हैं बैंक बैंक मतलब बैंक ना एक फिजिस्ट का नाम है तुम सोचना मत बैंक में जब बोलूँगा तो एक कोई बैंक की बात कर रहा है बैंक मतलब इस मूवी के अंदर एक कैरेक्टर का नाम है और डोनली डोनली होती है ओके बैंक एंड डोनली जो होते हैं वो लोग होते हैं वो क्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके जो एलियन वाले एन भाषा है उसे डी करेंगे क्योंकि एलियन भाषा तो भाई आती नहीं है ह्यूमन्स को तो ऑबेसली उसे डी करना बहुत जरूरी है तो अब ये जो दो लोग होते लो लो हैं ये लोग एक एलियन से कांटेक्ट करते हैं जिसका भाई एक मतलब जानते कहते इतना सेवन लिम्ब्ड होता है सात लिम्ब एलियन होता है तो, तो बड़ा खतरनाक और देखने में होता है तो उसका ये लोग नाम रखते हैं हेप्टापॉड्स करके अब हेप्टापॉड नाम रखने के बाद उससे ये लो लोग हेल्प लेते हैं क्योंकि इस भाषा को ये लोग डिगोड करना चाहते थे जो एलियन लैंग्वेज है उसे लोग डी करेंगे तभी जाके मतलब मूवी आगे बढ़ेगी एंड दिस इज़ वॉट मूवी का प्लॉट है इसके आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा तो मूवी का मैं स्पॉयलर दे दूंगा वो मैं नहीं चाहता हूँ तो गाइस चलो जो मूवी है टू में नहीं आई थी वो मूवी है लॉन्च हुई थी 2016 के सितंबर वन को <laughs> ओके गाइस तो हाँ 2016 सितंबर सिक्सटीन वन को मूवी रिलीज हुई थी अमेरिकन साइंस फिक्शन ड्रामा मूवी है मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है डेनिस एंड स्क्रीन प्ले किया गया है एरिक के द्वारा उसके बाद स्टोरी बाय यूअर लाइफ बाय टेड चियांग करके हैं कोई चाइनीज चियांग पता नहीं कौन है और जो मूवी के प्रोड्यूसर थे वो थे शॉनली डैन लिवाइन आयरन राइडर एंड डेविड लिंडी स्टारिंग कास्ट है एमी एडम्स एंड जेरमी रेनर्स फॉरेस्ट वाइट टेकर मेकल उसके बाद टिजीमा एंड सीमेटोग्राफी किया गया है ब्रैड फॉर्ड यंग के द्वारा एंड एडिटर जो मूवी के थे जोई वालकर उसके बाद द मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनियां हैं वो हैं फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट्स लावा बियर ट्वेंटी वन लैब्स एंटरटेनमेंट जो मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज़्यादा मैटर करता है वर्ल्ड वाइड ही लोग डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं तो पैरामाउंट्स पिक्चर जो थे वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कराएँ और जो एंटरटेनमेंट वन थे यूनाइटेड किंगडम के अंदर कराएँ एंड जो रोड शो फिल्म है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कराई अब सोचोगे तुम लोग भाई वर्ल्ड वाइड तूने बोला था मतलब ये कैसे हम लोग देखें तो उसके लिए ओ बोला जाता है ओटी है भाई तो अमेजॉन प्राइम वीडियो पे जाओगे तो ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है तो ही अगर नहीं है तो तुम्हें पता है क्या करना है कैसे जाके करना है तो ओ भाई मैं बस मैं तुम्हें प्लॉट बता रहा था ताकि मूवी में अगर तुम्हें साईफाई थ्रिलर जेनरा से तुम बिलोंग करते हो तो जाके इस मूवी को एक बार देख लेना हाँ मूवी मैं बताऊंगा ठीक ठाक है उतना खतरनाक आप नहीं बोल सकते हो लेकिन हाँ मूवी देखने लायक है क्योंकि एलियन विलिन आते हैं तो यार साई फाई मूवी के अंदर एक जोश आ जाता है अलग सा और देखने में मज़ा भी आता है तो चलो रेटिंग वेटिंग के ऊपर भी बात कर लिया जाए तो वैसे सुनो सेवन की आई एम रेटिंग है 10 आउट ऑफ 7.9 मतलब रेटिंग भी है बहुत ज़बरदस्त है तो देखने लायक मूवी है और जो रोटन टोमेटोज की रेटिंग है वो है 94 फोर परसेंट एटी परसेंट ऑफ द गूगल यूज गूगल यूज़र ने इसे लाइक किया तो हाँ मैं बोलूँगा भाई गूगल यूज़र का कोई सीन नहीं होता है लोग फालतू के मतलब फालतू नहीं बोल सकते हो लाइक हाँ जिसके पास गूगल आईडी है वो जाके मूवी को लाइक बटन दबा देगा तो गूगल लाइक्स को देख के कभी मूवी को जज मत करना वो बहुत हर मूवी पे वो ज़्यादा ही होता है जो मूवी का बजट था वो था 47 मिलियन यूएस डॉलर एंड मूवी ने जो टोटल कमाया है वो है 203 मिलियन यूएस डॉलर तो सीधा सीधा देखा जाए 150 मिलियन से ज़्यादा ही मूवी ने प्रॉफिट में अर्न किया है तो हाँ अगर स्टोरी नहीं अच्छी होती तो नहीं बंदे लोग इसे देखते हैं तो तुम लोग जाओ मज़ा आएगा देखने में एंड uh, हाँ मैं तो बोलूँगा जरूर देखना अगर तुम साईफाई जनरा से बिलोंग करते हो एंड ऐसे मूवी पे वेट करते हो क्योंकि और भी हम लोग साईफाई मूवी को एक्सप्लेन करेंगे आगे की वीडियो के अंदर एंड गाइस एक, से, एक, से, एक से, मैंने आप लोगों को मूवी के कास्ट क्रू को नहीं बताया ताकि मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोग अगर हीरो को पसंद करोगे तभी जाके देखते हो मूवी ऐसा भी सीन होता है तो जो जेमरी राइनर हैं जेरमी राइनर हैं वो ही आई डॉनली का रोल प्ले कर रहे हैं तो हाँ मूवी देखना बनता है भाई जानते हो यार हॉका है यार अच्छा मतलब खतरनाक लगता है देखने में भी एंड उसका मूवी जो है वो भी थोड़ा हाँ अच्छे ठीक ठाक होते हैं फॉरेस्ट वाइट टॉकर जो हैं जो कॉलन वेबर का रोल प्ले कर रहे होते हैं और एमी एडम्स हैं जो डॉक्टर लुइस बैंक का रोल प्ले कर रही थी जो मैंने बैंक से बोला था ना वो कैरेक्टर थी समझ में आ गया माइकल स्टगलर बार्ग जो हैं एजेंट हेल्पन का रोल प्ले कर रहे होते हैं टीजी जी माँ जो हैं वो जर्नल शांक का रोल प्ले कर रहे होते हैं हाँ तो गाइस अब इधर पता चल रहा है कि एक यू वाला यू कंट्री एंड चाइना या फिर जापान कोई भी भाई हो सकती है एशियन एक कंट्री जहाँ पे चीनी से लेके जापान कोरियन वो सारे लोग हो सकते हैं जब चैंग वेंग शेंगवेंग आ गया तो अभी गाइल फैनिस को जो है वो हैना का रोल प्ले कर रही होती हैं मार्को ब्रायन जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं कैप्टन मार्क्स का जैडी मेलोना जो है हैना का रोल प्ले कर रही थी एंड जूली स्कारलेट डैन जो है वो भी हैना का रोल प्ले कर रहे थे तीन तीन हैना सही है छोटे से बड़ी हो रही है रसल यून जो हैं चाइनीज़ साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रहे होते हैं तो हाँ तुम्हें पता नहीं मैंने बोला था अभी कुछ देर पहले चाइनीज़ हाँ तो भाई चाइनीज साइंटिस्ट ही हैं मूवी के अंदर नैथली टी बेल्ट जो हैं वो गाला गेस्ट का रोल प्ले कर रही होती हैं फ्रैंक स्कॉर्पिन जो हैं वो डॉक्टर केटलर का रोल प्ले कर रहे होते हैं एंड उसके बाद भी अगर हम लोग देखा जाए तो सो so ऑन बहुत ज़्यादा है कैश एंड क्रू लिस्ट क्योंकि मूवी ठीक ठाक है तो या जाके तुम लोग मूवी का एंजॉय करो और बताना मूवी कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में का एक बार किक दूंगा अगर तुम्हें स्टोरी अच्छा लगेगी तो मैं बताऊंगा मूवी को कहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो और कहाँ से जाके देख सकते हो एंड उसके बाद हम लोग मूवी के फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर भी बात करेंगे सो तो या गाइस चलो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मैं बोलने वाला था चलो बाय बाय करके तो हाँ गाइस मूवी ऐसा स्टार्ट होता है अराइवल करके जहाँ पे दिखाया जाता है अपना जो पृथ्वी है उसके आजू बाजू में टोटल जानते हो कितने सारे स्पेस एलियन क्राफ्ट आ जाते हैं बहुत सारा एलियन स्पेस क्राफ्ट आ जाते हैं जो टोटल संख्या में होते हैं बारह तो समझ जाओ बारह बड़े बड़े एलियन स्पेस क्राफ्ट आ जाते हैं अपने पृथ्वी के हर एक अलग अलग कोने में अब ये देखने के बाद जो यू एस आर्मी होती है वो बैठेगी तो नहीं क्योंकि मूवी जो है यू एस एक है इतना मैं बताना चाहता हूँ अदरवाइज़ वर्ल्ड वाइड का प्रॉब्लम होता तो भाई सारे लोग संभाल सकते थे तो हाँ यू एस का मूवी होता है तो यू एस के जो एजेंट्स होते हैं और बहुत सारे लोग आर्मी वाले होते हैं तो पहले ऐसा किया जाता है मूवी के अंदर सारे आर्मी को भी इंचार्ज बना दिया जाता है एंड आर्मी लोग भी जाके उस स्पेस शिप की केयर कर रहे होते हैं केयर का मतलब उसका मतलब जाके भाई फ्यूल नहीं भर रहे होते हैं वो जाके दूर से उसके ऊपर नजर रख रह रहे होते हैं कोई भी हलचल होगी तो हम लोग उसके ऊपर हमला बोल देंगे ऐसा करके ओके अब आगे दिखाया जाता है जो यू के मेन प्रेसिडेंट होते हैं या फिर कॉनल वेबर जो होते हैं वो रिक्रूट करते हैं बैंक बैंक मतलब बैंक ना एक फिजिस्ट का नाम है तुम सोचना मत बैंक में जब बोलूँगा तो एक कोई बैंक की बात कर रहा है बैंक मतलब इस मूवी के अंदर एक कैरेक्टर का नाम है और डोनली डॉनली होती है ओके बैंक एंड डॉनली जो होते हैं वो लोग होते हैं वो क्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके जो एलियन वाले भाषा है उसे डी करेंगे क्योंकि एलियन भाषा तो भाई आती नहीं है ह्यूमन्स को तो ऑब्वियसली उसे डी करना बहुत ज़रूरी है तो अब ये जो दो लो लोग होते हैं ये लोग एक एलियन से कांटेक्ट करते हैं जिसका भाई एक, एक मतलब जानते हो होते हैं सेवन लिम्बड होता है सात लिम्ब एलियन होता है तो बड़ा खतरनाक और देखने में होता है तो उसका ये लोग नाम रखते हैं हेप्टापॉड्स करके अब हेप्टापॉड नाम रखने के बाद उससे लोग हेल्प लेते हैं क्योंकि इस भाषा को ये लोग डी करना चाहते थे जो एलियन लैंग्वेज है उसे ये लोग डी करेंगे तभी जाके मतलब मूवी आगे बढ़ेगी एंड दिस इज़ वॉट मूवी का प्लॉट है इसके आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा तो मूवी का मैं स्पॉयलर दे दूँगा वो मैं नहीं चाहता हूँ तो गाइस चलो जो मूवी है 2016 में नहीं आई थी वो मूवी है लॉन्च हुई थी 2016 के सितंबर वन को <laughs> ओके काइस तो हाँ 2016 सितंबर सिक्सटीन वन को मूवी रिलीज़ हुई थी अमेरिकन साइंस फिक्शन ड्रामा मूवी है मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है डेनिस एंड स्क्रीन प्ले किया गया है एरिक के द्वारा उसके बाद स्टोरी बाई यूअर लाइफ बाई टेड चियांग करके हैं कोई चाइनीज चियांग पता नहीं कौन है और जो मूवी के प्रोड्यूसर थे वो थे शॉनली डैन लिवाइन आयरन राइडर एंड डेविड लिंडी स्टारिंग कास्ट है एमी एडम्स एंड जेरमी रेनर्स फॉरेस्ट वाइट टेकर मेकल उसके बाद टीजीमा एंड सिनेमाटोग्राफिक किया गया है ब्रैडफोर्ड यंग के द्वारा एंड एडिटर जो मूवी के थे जोई वालकर उसके बाद मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनियां हैं वो हैं फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट्स लावा बियर 21 लैब्स एंटरटेनमेंट जो मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स ना डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज़्यादा मैटर करता है वर्ल्ड वाइड ही लोग डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं तो पैरामाउंस पिक्चर जो थे वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कराएँ और जो एंटरटेनमेंट वन थे यूनाइटेड किंगडम के अंदर कराएँ एंड जो रोड शो फिल्म है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कराई अब सोचोगे तुम लोग भाई वर्ल्ड वाइड तूने बोला था मतलब ये कैसे हम लोग देखें तो उसके लिए ओ बोला जाता है ओ है भाई तो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे जाओगे तो ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है तो ही अगर नहीं है तो तुम्हें पता है क्या करना है कैसे जाके करना है तो ओ भाई मैं बस मैं तुम्हें प्लॉट बता रहा था ताकि मूवी में अगर तुम्हें साईफाई थ्रिलर जेनरा से तुम बिलोंग करते हो तो जाके इस मूवी को एक बार देख लेना हाँ मूवी मैं बताऊँगा ठीक ठाक है उतना खतरनाक आप नहीं बोल सकते हो लेकिन हाँ मूवी देखने लायक है क्योंकि एलियन विलिन आते हैं तो यार साईफाई मूवी के अंदर एक जोश आ जाता है अलग सा और देखने में मजा भी आता है तो चलो रेटिंग वेटिंग के ऊपर भी बात कर लिया जाए तो वैसे सुनो 7.9 की आई रेटिंग है 10 आउट ऑफ 7.9 मतलब रेटिंग भी है बहुत ज़बरदस्त है तो देखने लायक मूवी है और जो रोटन टमाटोज की रेटिंग है वो है नाइन्टी फोर ऑफ़ द गूगल गूगल यूज़र ने इसे लाइक किया तो हाँ मैं बोलूँगा भाई गूगल यूज़र का कोई सीन नहीं होता है लोग फालतू के मतलब फालतू नहीं बोल सकते हो लाइक हाँ जिसके पास गूगल आई है वो जाके मूवी को लाइक बटन दबा देगा तो गूगल लाइक्स को दे के कभी मूवी को जज मत करना वो बहुत हर मूवी पे वो ज़्यादा ही होता है जो मूवी का बजट था वो था 47 मिलियन यूएस डॉलर एंड मूवी ने जो टोटल कमाया है वो है 203 मिलियन यूएस डॉलर तो सीधा सीधा देखा जाए 150 मिलियन से ज़्यादा ही मूवी ने प्रॉफिट में अर्न किया है तो हाँ अगर स्टोरी नहीं अच्छी होती तो नहीं बंदे लोग इसे देखते हैं तो तुम लोग जाओ मज़ा आएगा देखने में एंड uh, हाँ मैं तो बोलूँगा जरूर देखना अगर तुम साईफाई जनरा से बिलोंग करते हो एंड ऐसे मूवी पे वेट करते हो क्योंकि और भी हम लोग साईफाई मूवी को एक्सप्लेन करेंगे आगे की वीडियो के अंदर एंड गाइस एक एक्सन एक मैंने आप लोगों को मूवी के कैस्ट क्रू को नहीं बताया ताकि मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोग अगर हीरो को पसंद करोगे तभी जाके देखते हो मूवी ऐसा भी सीन होता है तो जो जेमरी राइनर है जेरमी राइनर है वो ही आई डॉनली का रोल प्ले कर रहे हैं तो हाँ मूवी देखना बनता है भाई जानते हो यार हॉका है यार मच्छा मतलब खतरनाक लगता है देखने में भी एंड उसका मूवी जो है वो भी थोड़ा हाँ अच्छे ठीक ठाक होते हैं फॉरेस्ट वाइट टॉकर जो हैं जो कॉलन वेबर का रोल प्ले कर रहे थे हैं। और एमी एडम्स हैं जो डॉक्टर लुइस बैंक का रोल प्ले कर रही थी जो मैंने बैंक बोला था ना वो कैरेक्टर थी समझ में आ गया माइकल स्टगलर स्ट्रगलरबार्ग जो हैं एजेंट हेल्पन का रोल प्ले कर रहे होते हैं टीजी माँ जो हैं वो जर्नल शांग का रोल प्ले कर रहे होते हैं हाँ तो गाइस अब इधर पता चल रहा है कि एक यू वाला यूएस कंट्री एंड चाइना या फिर जापान कोई भी भाई हो सकती है एशियन एक कंट्री जहाँ पे चीनी से लेके जापान कोरियन वो सारे लोग हो सकते हैं जब चैंग वेंग शेंगवेंग आ गया तो अभी गाइल को जो है वो हैना का रोल प्ले कर रही होती हैं मार्को ब्रायन जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं कैप्टन मार्क्स का जैडी मेलोना जो है हैना का रोल प्ले कर रही थी एंड जूली स्कारलेट डैन जो है वो भी हैना का रोल प्ले कर रहे थे तीन तीन हैना सही है छोटे से बड़ी हो रही है रसल यूइन जो है चाइनीज़ साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रहे होते हैं तो हाँ तुम्हें पता नहीं मैंने बोला था अभी कुछ देर पहले चाइनीज़ हाँ तो भाई चाइनीज़ साइंटिस्ट ही हैं मूवी के अंदर नैथली टी बेल्ट जो हैं वो गाला गेस्ट का रोल प्ले कर रही होती हैं फ्रैंक स्कॉर्पिन जो हैं वो डॉक्टर केटलर का रोल प्ले कर रहे होते हैं एंड उसके बाद भी अगर हम लोग देखा जाए तो सो so ऑन बहुत ज़्यादा है कैश्ट्रूलिस्ट क्योंकि मूवी ठीक ठाक है तो या जाके तुम लोग मूवी का एंजॉय करो और बताना मूवी कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ठीक एक बार किक दूंगा अगर तुम्हें स्टोरी अच्छा लगेगी तो मैं बताऊंगा मूवी को कहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो और कहां से जाके देख सकते हो एंड उसके बाद हम लोग मूवी के फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर भी बात करेंगे सो तो या गाइस चलो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मैं बोलने वाला था चलो बाय बाय करके तो हाँ गाइस मूवी ऐसा स्टार्ट होता है अराइवल करके जहाँ पर दिखाया जाता है अपना जो पृथ्वी है उसके आजू बाजू में टोटल जानते हो कितने सारे स्पेस एलियन क्राफ्ट आ जाते हैं बहुत ज़्यादा एलियन स्पेस क्राफ्ट आ जाते हैं जो टोटल संख्या में होते हैं बारह तो समझ जाओ बारह बड़े बड़े एलियन स्पेस क्राफ्ट आ जाते हैं अपने पृथ्वी के हर एक अलग अलग कोने में अब ये देखने के बाद जो यूएस आर्मी होती है वो बैठेगी तो नहीं क्योंकि मूवी जो है यू एस का है इतना मैं बताना चाहता हूँ अदरवाइज़ वर्ल्ड वाइड का प्रॉब्लम होता तो भाई सारे लोग संभाल सकते थे तो हाँ यू का मूवी होता है तो यू के जो एजेंट्स होते हैं और बहुत सारे लोग आर्मी वाले होते हैं तो पहले ऐसा किया जाता है मूवी के अंदर सारे आर्मी को भी इंचार्ज बना दिया जाता है एंड आर्मी लोग भी जाके उस स्पेस शिप की केयर कर रहे होते हैं केयर का मतलब उसका मतलब जाके भाई फ्यूल नहीं भर रहे होते हैं वो जाके दूर से उसके ऊपर नज़र रख रहे होते हैं कोई भी हलचल होगी तो हम लोग उसके ऊपर हमला बोल देंगे ऐसा करके ओके अब आगे दिखाया जाता है जो यूएस के मेन प्रेसिडेंट होते हैं या फिर कॉनल वेबर जो होते हैं वो रिक्रूट करते हैं बैंक बैंक मतलब बैंक ना एक फिजिस्ट का नाम है तुम सोचना मत बैंक में जब बोलूँगा तो एक कोई बैंक की बात कर रहा है बैंक मतलब इस मूवी के अंदर एक कैरेक्टर का नाम है और डोनली डोनली होती है ओके बैंक एंड डोनली जो होते हैं वो लोग होते हैं वो क्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके जो एलियन वाले एन भाषा है उसे डी करेंगे क्योंकि एलियन भाषा तो भाई आती नहीं है ह्यूमन्स को तो ऑबेसली उसे डीगोड करना बहुत जरूरी है तो अब ये जो दो लोग होते हैं ये लोग एक एलियन से कांटेक्ट करते हैं जिसका भाई एक मतलब जानते हो कितना सेवन लिम्ब्ड होता है सात लिम्ब एलियन होता है तो बड़ा खतरनाक वो देखने में होता है तो उसका ये लोग नाम रखते हैं हेप्टापॉड्स करके अब हेप्टापॉड नाम रखने के बाद उससे लोग हेल्प लेते हैं क्योंकि इस भाषा को ये लोग डिगोड करना चाहते थे जो एलियन लैंग्वेज है उसे लोग डी करेंगे तभी जाके मतलब मूवी आगे बढ़ेगी एंड दिस इज़ वॉट मूवी का प्लॉट है इसके आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा तो मूवी का मैं स्पॉयलर दे दूँगा वो मैं नहीं चाहता हूँ तो गाइस चलो जो मूवी है टू में नहीं आई थी वो मूवी है लॉन्च हुई थी 2016 के सितंबर वन को ओके <laughs> काइस okay, तो हाँ 2016 सितंबर सिक्सटीन को मूवी रिलीज़ हुई थी अमेरिकन साइंस फिक्शन ड्रामा मूवी है मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है डेनिस एंड स्क्रीन प्ले किया गया है एरिक के द्वारा उसके बाद स्टोरी बाय यूअर लाइफ बाय टेड चियांग करके हैं कोई चाइनीज चियांग पता नहीं कौन है और जो मूवी के प्रोड्यूसर थे वो थे शॉनली डैन लिवाइन आयरन राइडर एंड डेविड लिंडी स्टारिंग कास्ट है एमी एडम्स एंड जेरमी रेनर्स फॉरेस्ट वाइट टेकर मिकल, उसके बाद टीजीमा एंड सीनीमेटोग्राफी किया गया है ब्रैड फॉर्ड यंग के द्वारा एंड एडिटर जो मूवी के थे जोई वालकर उसके बाद द मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनियाँ हैं वो हैं फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट्स लावा बियर ट्वेंटी वन लैब्स एंटरटेनमेंट जो मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है वर्ल्ड वाइड ही लोग डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं तो पैरामाउंट्स पिक्चर जो थे वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कराएँ और जो एंटरटेनमेंट वन थे यूनाइटेड किंगडम के अंदर कराएँ एंड जो रोड शो फिल्म है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कराई अब सोचोगे तुम लोग भाई वर्ल्ड वाइड तूने बोला था मतलब ये ये कैसे हम लोग देखें तो 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 उसके लिए OTT बोला जाता है OTT है भाई तो Prime वीडियो पे जाओगे तो मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है तो ही अगर नहीं है तो तुम्हें पता है क्या करना है कैसे जाके करना है तो ओ भाई मैं बस मैं तुम्हें प्लॉट बता रहा था ताकि मूवी में अगर तुम्हें साईफाई थ्रिलर जनरल से तुम बिलोंग करते हो तो जाके इस मूवी को एक बार देख लेना हाँ मूवी मैं बताऊंगा ठीक ठाक है उतना खतरनाक आप नहीं बोल सकते हो लेकिन हाँ मूवी देखने लायक है क्योंकि इलिन विलिन आते हैं तो यार साई फाई मूवी के अंदर एक जोश आ जाता है अलग सा और देखने में मज़ा भी आता है तो चलो रेटिंग वेटिंग के ऊपर भी बात कर लिया जाए तो वैसे सुनो सेवन की आई रेटिंग है 10 आउट ऑफ 7.9 मतलब रेटिंग भी है बहुत ज़बरदस्त है तो देखने लायक मूवी है और जो रोटन टमाटोज़ की रेटिंग है वो है नाइन्टी परसेंट एटी परसेंट ऑफ द गूगल गूगल यूज़र ने इसे लाइक किया तो हाँ मैं बोलूँगा भाई गूगल यूज़र का कोई सीन नहीं होता है लोग फालतू के मतलब फालतू नहीं बोल सकते हो लाइक like? हाँ जिसके पास गूगल आई है वो जाके मूवी को लाइक बटन दबा देगा तो गूगल लाइक्स को देख के कभी मूवी को जज मत करना वो बहुत हर मूवी पर वो ज़्यादा ही होता है जो मूवी का बजट था वो था 47 मिलियन यूएस डॉलर एंड मूवी ने जो टोटल कमाया है वो है 203 मिलियन यूएस डॉलर तो सीधा सीधा देखा जाए 150 मिलियन से ज़्यादा ही मूवी ने प्रॉफिट में अर्न किया है तो हाँ अगर स्टोरी नहीं अच्छी होती तो नहीं बंदे लोग इसे देखते हैं तो तुम लोग जाओ मजा आएगा देखने में एंड uh, हाँ मैं तो बोलूँगा जरूर देखना अगर तुम साईफाई जनरा से बिलोंग करते हो एंड ऐसे मूवी पे वेट करते हो क्योंकि और भी हम लोग साईफाई मूवी को एक्सप्लेन करेंगे आगे की वीडियो के अंदर एंड गाइस एक, से, एक, से, एक से, मैंने आप लोगों को मूवी के कैस्ट क्रू को नहीं बताया ताकि मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोग अगर हीरो को पसंद करोगे तभी जाके देखते हो मूवी ऐसा भी सीन होता है तो जो जेमरी राइनर हैं जेरमी राइनर हैं वो ही आई डॉनली का रोल प्ले कर रहे हैं तो हाँ मूवी देखना बनता है भाई जानते हो यार हॉका ये यार अच्छा मतलब खतरनाक लगता है देखने में भी एंड उसका मूवी जो है वो भी थोड़ा हाँ अच्छे ठीक ठाक होते हैं फॉरेस्ट वाइट टॉकर जो हैं जो कॉलन वेबर का रोल प्ले कर रहे होते हैं और एमी एडम्स हैं जो डॉक्टर लुइस बैंक का रोल प्ले कर रही थी जो मैंने बैंक बोला था ना वो कैरेक्टर थी समझ में आ गया माइकल स्टगलर बार्ग जो हैं एजेंट हेल्पन का रोल प्ले कर रहे होते हैं टीजी जी माँ जो हैं वो जर्नल शांग का रोल प्ले कर रहे होते हैं हाँ तो वाइस अब इधर पता चल रहा है कि एक यू वाला यूएस कंट्री एंड चाइना या फिर जापान कोई भी भाई हो सकती है एशियन एक कंट्री जहाँ पे चीनी से लेके जापान कोरियन वो सारे लोग हो सकते हैं जब चैंग वेंग शेंग आ गया तो अभी गाइल फैनिस को जो है वो हैना का रोल प्ले कर रही होती हैं मार्को ब्रायन जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं कैप्टन मार्क्स का जैडी मेलोना जो है हैना का रोल प्ले कर रही थी एंड जूली स्कारलेट डैन जो है वो भी हैना का रोल प्ले कर रहे थे तीन तीन हैना सही है छोटे से बड़ी हो रही है रसल यून जो है चाइनीज़ साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रहे होते हैं तो हाँ का एक बार किक दूंगा अगर तुम्हें स्टोरी अच्छा लगेगी तो मैं बताऊंगा मूवी को कहाँ से जा डाउनलोड कर सकते हो और कहाँ से जाकर देख सकते हो एंड उसके बाद हम लोग मूवी के फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर भी बात करेंगे सो तो या गाइस चलो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मैं बोलने वाला था चलो बाय बाय करके तो हाँ गाइस मूवी ऐसा स्टार्ट होता है अराइवल करके जहाँ पर दिखाया जाता है अपना जो पृथ्वी है उसके आजू बाजू में टोटल जानते हो कितने सारे स्पेस एलियन क्राफ्ट आ जाते हैं बहुत ज़्यादा एलियन स्पेस क्राफ्ट आ जाते हैं जो टोटल संख्या में होते हैं बारह तो समझ जाओ बारह बड़े बड़े एलियन स्पेस क्राफ्ट आ जाते हैं अपने पृथ्वी के हर एक अलग अलग कोने में अब ये देखने के बाद जो यूएस आर्मी होती है वो बैठेगी तो नहीं क्योंकि मूवी जो है यू एस है इतना मैं बताना चाहता हूँ अदरवाइज वर्ल्ड वाइड का प्रॉब्लम होता तो भाई सारे लोग संभाल सकते थे तो हाँ यू का मूवी होता है तो यू के जो एजेंट्स होते हैं और बहुत सारे लोग आर्मी वाले होते हैं तो पहले ऐसा किया जाता है मूवी के अंदर सारे आर्मियों को भी इंचार्ज बना दिया जाता है एंड आर्मी लोग भी जाके उस स्पेस शिप की केयर कर रहे होते हैं केयर का मतलब उसका मतलब जाके भाई फ्यूल नहीं भर रहे होते हैं वो जाके दूर से उसके ऊपर नज़र रख रहे होते हैं कोई भी हलचल होगी तो हम लोग उसके ऊपर हमला बोल देंगे ऐसा करके ओके अब आगे दिखाया जाता है जो यूएस के मेन प्रेसिडेंट होते हैं या फिर कॉनल वेबर जो होते हैं वो रिक्रूट करते हैं बैंक बैंक मतलब बैंक ना एक फिजिस्ट का नाम है तुम सोचना मत बैंक में जब बोलूँगा तो एक कोई बैंक की बात कर रहा है बैंक मतलब इस मूवी के अंदर एक कैरेक्टर का नाम है और डोनली डोनली होती है ओके बैंक एंड डोनली जो होते हैं वो लोग होते हैं वो क्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके जो एलियन वाले एन भाषा है उसे डी करेंगे क्योंकि एलियन भाषा तो भाई आती नहीं है ह्यूमन्स को तो ऑब्वियसली उसे डी करना बहुत जरूरी है तो अब ये जो दो लोग लो 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 होते हैं ये लोग एक एलियन से कांटेक्ट करते हैं जिसका भाई एक मतलब जानते हो तो कितना तो सेवन लिम्ब्ड होता है सात लिम्ब एलियन होता है तो बड़ा खतरनाक वो देखने में होता है तो उसका ये लोग नाम रखते हैं हेप्टापॉड्स करके अब हेप्टापॉर्ड नाम रखने के बाद उससे ये लोग हेल्प लेते हैं क्योंकि इस भाषा को ये लोग डी करना चाहते थे जो एलियन लैंग्वेज है उसे ये लोग डी करेंगे तभी जाके मतलब मूवी आगे बढ़ेगी एंड दिस इज़ वॉट मूवी का प्लॉट है इसके आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा तो मूवी का मैं स्पॉयलर दे दूँगा वो मैं नहीं चाहता हूँ तो गाइस चलो जो मूवी है 2016 में नहीं आई थी वो मूवी है लॉन्च हुई थी 2016 के सितंबर वन को <laughs> ओके गाइस तो हाँ 2016 सितंबर सिक्सटीन वन को मूवी रिलीज़ हुई थी अमेरिकन साइंस फिक्शन ड्रामा मूवी है मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है डेनिस एंड स्क्रीन प्ले किया गया है एरिक के द्वारा उसके बाद स्टोरी बाय यूअर लाइफ बाय टेड चियांग करके हैं कोई चाइनीज चियांग पता नहीं कौन है और जो मूवी के प्रोड्यूसर थे वो थे शॉनली डैन लिवाइन आयरन राइडर एंड डेविड लिंडी स्टारिंग कास्ट है एमी एडम्स एंड जेरमी रेनर्स फॉरेस्ट वाइट टेकर मेकल उसके बाद टीजीमा एंड सीनीमेटोग्राफी किया गया है ब्रैड फॉर्ड यंग के द्वारा एंड एडिटर जो मूवी के थे जोई वालकर उसके बाद द मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनियां हैं वो है फिल्म नेशन एंटरटेनमेंट्स लावा बियर ट्वेंटी वन लैब्स एंटरटेनमेंट जो मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है वर्ल्ड वाइड ही लोग डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं तो पैरामाउंट्स पिक्चर जो थे वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कराएँ और जो एंटरटेनमेंट वन थे यूनाइटेड किंगडम के अंदर कराएँ एंड जो रोड शो फिल्म है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कराई अब सोचोगे तुम लोग भाई तूने बोला था मतलब ये कैसे हम लोग जाता है तो तुम्हें पता है क्या करना है कैसे जाके करना है तो ओ भाई मैं बस मैं तुम्हें प्लॉट बता रहा था ताकि मूवी में अगर तुम्हें साईफाइड थ्रिलर जनरल से तुम बिलोंग करते हो तो जाके इस मूवी को एक बार देख लेना हाँ मूवी मैं बताऊंगा ठीक ठाक है उतना खतरनाक आप नहीं बोल सकते हो लेकिन हाँ मूवी देखने लायक है क्योंकि एलिन विलिन आते हैं तो यार साई फाई मूवी के अंदर एक जोश आ जाता है अलग सा और देखने में मजा भी आता है तो चलो रेटिंग वेटिंग के ऊपर भी बात कर लिया जाए तो वैसे सुनो सेवन की आई रेटिंग है 10 आउट ऑफ 7.9 मतलब रेटिंग भी है बहुत ज़बरदस्त है तो देखने लायक मूवी है और जो रोटन टमाटोज़ की रेटिंग है वो है नाइन्टी परसेंट एटी परसेंट ऑफ द गूगल यूज गूगल यूज़र ने इसे लाइक किया तो हाँ मैं बोलूँगा भाई गूगल यूज़र का कोई सीन नहीं होता है लोग फालतू के मतलब फालतू नहीं बोल सकते हो लाइक हाँ जिसके पास गूगल आई है वो जाके मूवी को लाइक बटन दबा देगा तो गूगल लाइक्स को देख के कभी मूवी को जज मत करना वो बहुत हर मूवी पर ज़्यादा ही होता है जो मूवी का बजट था वो था 47 मिलियन यूएस डॉलर एंड मूवी ने जो टोटल कमाया है वो है 203 मिलियन यूएस डॉलर तो सीधा सीधा देखा जाए 150 मिलियन से ज़्यादा ही मूवी ने प्रॉफिट में अर्न किया है तो हाँ अगर स्टोरी नहीं अच्छी होती तो नहीं बंदे लोग इसे देखते हैं तो तुम लोग जाओ मजा आएगा देखने में एंड uh, हाँ मैं तो बोलूँगा जरूर देखना अगर तुम साईफाई जनरा से बिलोंग करते हो एंड ऐसे मूवी पे वेट करते हो क्योंकि और भी हम लोग साईफाई मूवी को एक्सप्लेन करेंगे आगे की वीडियो के अंदर एंड गाइस एक वैसे मैंने आप लोगों को मूवी के कास्ट क्रू को नहीं बताया ताकि मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोग अगर हीरो को पसंद करोगे तभी जाके देखते हो मूवी ऐसा भी सीन होता है तो जो जेमरी राइनर हैं जेरमी राइनर हैं वो ही आई डॉनली का रोल प्ले कर रहे हैं तो हाँ मूवी देखना बनता है भाई जानते हो यार हॉका है यार मच्छा मतलब खतरनाक लगता है देखने में भी एंड उसका मूवी जो है वो भी थोड़ा हाँ अच्छे ठीक ठाक होते हैं फॉरेस्ट वाइट टॉकर जो हैं जो कॉलन वेबर का रोल प्ले कर रहे होते हैं और एमी एडम्स हैं जो डॉक्टर लुइस बैंक का रोल प्ले कर रही थी जो मैंने बैंक से बोला था ना वो कैरेक्टर थी समझ में आ गया माइकल स्टगलर बार्ग जो हैं एजेंट हेल्पन का रोल प्ले कर रहे होते हैं टीजी जी माँ जो हैं वो जर्नल शांग का रोल प्ले कर रहे होते हैं हाँ तो वाइस अब इधर पता चल रहा है कि एक यू वाला यूएस कंट्री एंड चाइना या फिर जापान कोई भी भाई हो सकती है एशियन एक कंट्री जहाँ पे चीनी से लेके जापान कोरियन वो सारे लोग हो सकते हैं जब चैंग वेंग शेंगवेंग आ गया तो अभी गाइल फैनिस को जो है वो हैना का रोल प्ले कर रही होती हैं मार्को ब्रायन जो हैं वो रोल प्ले कर रहे होते हैं कैप्टन मार्क्स का जेडी मेलोना जो है हैना का रोल प्ले कर रही थी एंड जूली स्कारलेट डैन जो है वो भी हैना का रोल प्ले कर रहे थे तीन तीन हैना सही है छोटे से बड़ी हो रही है दरअसल यून जो है चाइनीज़ साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रहे होते हैं तो हाँ तुम्हें पता नहीं मैंने बोला था अभी कुछ देर पहले चाइनीज़ हाँ तो भाई चाइनीज़ साइंटिस्ट ही हैं मूवी के अंदर नैथली टी बेल्ट जो है वो गाला गेस्ट का रोल प्ले कर रही होती हैं फ्रैंक स्कॉर्पिन जो हैं वो डॉक्टर केटलर का रोल प्ले कर रहे होते हैं एंड उसके बाद भी अगर हम लोग देखा जाए तो सो so ऑन बहुत ज़्यादा है एंड कैश्ट्रूलिस्ट क्योंकि मूवी ठीक ठाक है तो या जाके तुम लोग मूवी का एंजॉय करो और बताना मूवी कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में